वेलकम बैक टू अदर एपिसोड थॉट बिहाइंड थिंग्स आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनको आप सब हम तो खैर बुलाना चाह ही रहे थे आप सब मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इनको बुलाया जाए बुलाया जाए बुलाया जाए और एक्चुअली टाई अप हमने मेरे ख्याल मैसेज तो बहुत अर्सा पहले हो चुका हुआ था लेकिन ये कि मैप आउट नहीं हो पा रहा था वो अनफॉर्चुनेटली इस्लामा इतना रेगुलरली नहीं आते Uh, और हम लोग यू नो लाहौर से पहले नहीं आ रहे थे बट नाउ दैट फाइनली नाओ सॉट ऑफ फाइनलीट अप मोबाइल स्टेशन हेर तो वी थॉट नो माइट हैव अ कॉन्वर्जेस विद हिम आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वड़ाइच इज़ दी फाउंडर एंड क्रिएटर एट देखो सुनो जानो वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स इन पाकिस्तान बट मोर देन दैट आई मीन बिग यूट्यूब चैनल्स आर आर यू क्वाइट को लॉट नाउ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पढ़ा लिखा बड़ा यूट्यूब चैनल है educational but a youtube channel that i think is uh, probably either he's the only one uh, who's been able to do it Um, और अगर हैं भी तो ऐट लीस्ट आई डोंट नो समोंने उस क्वालिटी का किया हो जिन्होंने उस, uh, uh, उस उस नो आंस के साथ किया हो uh, जिन्होंने वो कंसिस्टेंसी के साथ किया हो बोथ इंटर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ़ द क्वान्टिट्टी तो इस वैसे यू आई आई वेरी वेरी एक्ट कानवर्सेशन फैसर भाई थैंक यू सो मच वैंक यू वेरी मच सर थैंक यूरी मच मै 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 कानन को थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा जिस टाइम टू अंडरस्टैंड के वेवर यू बॉर्न और आपकी अर्ली लाइफ जो है वो कहाँ पर गुजरी ओकाड़ा में मैं पैदा हुआ पंजाब का एक शहर है छोटा सा ज़िला है उसका गांव है एक चौंतीस जी डी वहाँ पैदा हुआ मैं ये फैसलाबाद के पास है फैसलाबाद रोड पे है ओकाड़ा से जाएँ तो बीस इक्कीस किलोमीटर पर आता है तो वहाँ पैदा हुआ मेरे दादा पड़दादा वहीं से थे वैसे हम लोग गुजरात से माइग्रेट हुए थे बहुत पहले तो उसके बाद फिर उकाड़ा में ही मेरी पूरी एजुकेशन है मास्टर्स के अच्छा वो मैंने फिर आके लाहौर में किया तो ओकाडा में कहाँ से जो इनका पब्लिक स्कूल आ, हाँ गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से मैंने किया मैट्रिक और डिग्री कॉलेज से वहाँ मैंने एफ एस सी की फिर बी ए में वहाँ दाखिला लिया बी एस सी में लेकिन वहाँ उस वक्त अर्ली नाइनटीज़ में कोई ऐसा सेटअप था नहीं फिर मुझे लाहौर आना पड़ा तो फिर मैंने यहीं किया तो अर्ली मेमरीज़ में, में वहाँ पर लाहौर चूँकि मेरा घर जो था वो रेलवे स्टेशन के पास था तो वो अब वहाँ उस वक्त ना ट्रेन का बड़ा रोमांस होता था एटीज़ में ना तो रात को एक उसका बड़ा रोमांस होता था एक सिनेमा का रोमांस होता था तो जहाँ रेलवे स्टेशन होता था उसके पास ही कोई सिनेमा होता था तो हमारे रेलवे स्टेशन के दोनों साइड पे सैनमाज थे अच्छा हाँ एक साइड पे एक ग्राउंड फिर एक कबाबों वाली दुकान फिर एक सैमा

मेरे यार दोस्त मेरे साथ पढ़ने वाले पाँचवीं क्लास तक उसमें मोहम्मद अली जना एक स्कूल था हमारे मोहल्ले में उसमें मैंने पढ़ा तो वो भी उनमें से अक्सर के जो उनके फादर्स थे वो रेलवे स्टेशन में कहीं ना कहीं जॉब करते थे तो वहाँ हम क्रिकेट बहुत खेलते थे और वह उसको लाइनों को जो है क्रॉस करके उस वक्त ब्रिज नहीं था वैसे हमें क्रॉस करनी पड़ती थी तो उसको क्रॉस करके स्कूल था हमारा तो वो एक बड़ा रोमांस था रात को रेल की सीट सीटियों से हमें गाड़ियों के ये भी याद हो जाता था कि अब तेज़गाम आई है अब शालीमार आई है अब ये आई है और फिर आखिरी ये जो बाहर गली में एक शोर आया ना ये सैनिमा का आखिरी शो इस वक्त ख़त्म हुआ है तो अब लोग जा रहे हैं तो वो अब है पूरा जो रोमांस था वो पहले बीस साल में ख़त्म हो गया मैं उसमें नाइन्टी नाइन नैंट में लाहौर आ गया तो लेकिन वो मेरी मेमोरी में आज तक है और वो बड़ा एक जो है ना नोस्टैलजिक साइक है रेलवे स्टेशन की जो है पिक्चर उसकी ट्रेन की सीटी और रेल के डब्बे और छक छक आज भी कहीं सुनता हूँ ना तो बड़ा वो आपको याद आ, आता है वो निन्यानवे में आप लाहौर आए अगर आज वापस जाते हैं आप गाँव हाँ बहुत दफ़ा गया हूँ बहुत दफ़ा जाता हूँ अब भी जा क्या है? चेंज आया है तेईस साल में वहाँ बहुत चेंज आ गया बहुत ज़्यादा क्योंकि अब मालूम और न्यूज़ अवेयरनेस वगैरह ये ये चीज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं रहा जो शहर में हमें जो जो बहस चल रही होती है गांव में भी वही बहस चल रही होती है सड़कें पक्की हो गई और गलियां ज़्यादा गंदी हो गई कच्ची जो थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी आ, और अब वो गाँव का जो याद हम मेरी याद में बचपन में है था वो अब वो मजा नहीं है क्योंकि जिस स्कूल में मैंने पढ़ना शुरू किया उसकी दीवारें कच्ची थी और दो बहुत बड़े बड़े जो थे बरगद के दरख्त थे जिसके नीचे बैठ के मैं बच्चों को कहानी सुनाया करता था हालांकि मैं ख़ुद भी छोटा था लेकिन उसके बहुत बड़ी बड़ी शाखें थी इतनी बड़ी शाखें कि आप उनके ऊपर दौड़ सकते हैं एक बच्चा बच्चा का बड़ा भी उन पर दौड़ सकता था और काफ़ी काफ़ी लंबी शाखें थी तीनों तरफ उसके वैल्यू एक तरफ इतनी लंबी नहीं थी तीन तरफ बहुत बड़ी बड़ी शाखें थी तो उसके नीचे हम पढ़ते भी थे और शाम को मैं बच्चों को अपनी ऐसे ही बना बना के कहानियाँ सुनाता था इस दरख्त के ऊपर ये रहता है इसकी रूट्स में ये है तो वो वो अब ना वो दरख्त रहा ना वो कच्ची दीवारें रहीं उसकी वो भी बहुत पक्की हो गई सारे बरगद के दरख्त काट दिए गए अब वहाँ पर कमरे ही कमरे हैं पक्के कमरे हैं तो वो मुझे अब मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही उसको देखूँ ताकि मेरे जहन में वो जो खूबसूरत एक नोस्टैलजिक इमेज है ना वो कायम रहे वेरी इंटरेस्टिंग सो वो डिवेलपमेंट तो हो गई बट एट द कॉस्ट ऑफ द सोल ऑफ द विलेज हाँ जो कि होनी भी चाहिए थी लेकिन मुझे मेरा थोड़ा बायस है कि यार वो दरख्त बचा लेने चाहिए थे किसी भी तरह बचाते राइट नाइनटीन नाइनटी नाइन में आप आए पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने मास कम्युनिकेशन के अंदर नहीं मास्टर्स करने में आया नहीं था अच्छा मैं आया तो अपने कज़न को मिलने था आ, हसन जो माला आज कल मिल्ट्री में है वो ब्रिगेडियर है सॉरी कर्नल है तो वो मैं उसको मिलने आया था अब वो मुझसे कभी कभी मिलने आते हैं अच्छा तो मैं आया तो मैंने उससे पूछा कि उर्दू बाज़ार कहाँ है क्योंकि पढ़ने लिखने का मुझे शौक था और मुझे मैंने उकाड़ा में रह के सुना था कि उर्दू बाज़ार में ना बड़ी किताबें होती हैं तो मैंने उससे पूछा यार कहाँ है तो उसने कहा यार अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कहा है तुम अभी चले जाओगे मैंने कहा क्यों उसने मुझे नहीं बताया फिर शाम तक उसने मुझे कहा यार हमारे घर के सामने से ना ग्यारह नंबर की वैगन आएगी उस पर बैठना उसको कहना उर्दू बाज़ार वो तुम्हें उर्दू बाज़ार उतार देगा तो बहुत ही थोड़ा किराया था उस वक्त मेरे ख्याल एक रुपया करो मुझे बस बहुत मामूली कराया था तो मैं अगले दिन सुबह सुबह रात पता नहीं किस तरीके से गुजारी सुबह सुबह मैं उर्दू बाज़ार पहुँच गया वहाँ फुटपाथ पर लगी हुई किताबें देखी वहाँ पर और बहुत सी जिन किताबों को मैं उकाड़ा में देखा करता था कि इनके पीछे लिखा हुआ है वह जहांगीर बुक डिपो वगैरह 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 ये वो वहाँ जाके वो तमाम देखी और ऐसे फिरता रहा शाम तक फिरता रहा वहाँ और ख़रीदने के तो पैसे नहीं थे लेकिन बहुत मज़ा आया बहुत इन्जॉय किया मैंने और ना उस वक्त कोई था मोबाइल था कि सेल्फी लेता कि देखो मैं और दो बाजार में हूँ नाइन्टी नाइन में कौन सा मोबाइल था तो वो वो था इसलिए मैं उसको मिलने आया था लेकिन फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वापस ही नहीं गया अच्छा अब रह गए यहाँ पर हाँ और उसके बाद आपने डिसाइड किया क्या कि अच्छा मैंने अब पढ़ाई करनी है आ, हाँ। क्या क्या आपने उस वक्त फिगर आउट किया क्या कि अच्छा मैंने उस वक्त देखें एक मसला अच्छा तो मेरे साथ ऑलरेडी चल रहा अच्छा था कि उकाड़ा में मैं बी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ एफर तक ही था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ना उसके आगे टीचर्स थे और जो थे बेचारे वो भी बहुत थोड़े थे और वो खुद काफ़ी स्ट्रगल करते थे क्योंकि लैब नहीं थी और प्रॉपर इतने स्टूडेंट्स ही नहीं थे कि उसके लिए इतना किया जाए अब तो खैर वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है एम में, एम तक दो तीन कॉलेज भी हैं तो बल्कि यूनिवर्सिटी पूरी बन गई है वहाँ तो फिर मुझे ये मसला तो वहाँ था ये मुझे पता लग गया था कि अगर मैंने और पढ़ना ना तो मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता तो ये भी बैक बैक ऑफ माइंड था तो फिर मेरा एक दोस्त था था स्कंदर इकबाल उसका वो भी इधर लाहौर आ रहा था वेटनरी डॉक्टर बन रहा था वो तो बस ये सब चीज़ें थी थी जहन में तो जब मुझे लाहौर अच्छा भी लगा तो फिर मैंने कहा बस यहीं पढ़ेंगे फिर एक साल तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा अगले साल फिर मैंने बी ऑनर्स में यहाँ पर दाखिला लिया पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में और फिर मैं पढ़ता गया सही और आपने कंटिन्यू किया फिर मास्टर्स कम्प्लीट कर फिर मैंने मास्टर कम्प्लीट किया तो जो एक साल आप फारिग थे एक साल ही ऑलमोस्ट मेरे ख्याल दो साल मैं फारिग रहा उसमें कोई नौकरी वगैरह की हाँ फिर जहरा जा, जा, यहाँ तो कुछ करना था। ने तो नहीं रखना था उसने कहना था भाई क्या हाँ, नहीं, कर रहा है तो रख सकते हैं लेकिन लेकिन जहरा फिर आपको आप तो ना ये पसंद करते कि कोई आप किसी पर बोझ बने हाँ। तो ज़हरा दोस्त बहन भाई तो होते हैं लेकिन वो फिर हम खुद कोशिश करते रहे यहाँ पर और काफ़ी स्ट्रगल का था वो टाइम लेकिन मैंने उसको इंजॉय किया बहुत तो किस तरह एफ के बाद किस तरह के जॉब्स वगैरह अब ट्यूशन वगैरह और क्या ट्यूशन पढ़ाई और ट्यूशन ही ज़्यादा पर पढ़ाई फिर मुझे चूंकि पढ़ने लिखने का था शौक़ तो फिर एक मैगज़ीन में पैगाम डाइजेस्ट में आ, मैं काम करने लग गया वहाँ से पैसे तो नहीं कोई ख़ास मिलते थे लेकिन ये था कि एक वगैरह हुई और वहाँ पर खाना भी मैं खाता था रहता भी था और अम्मी बू से कुछ ना कुछ पैसे भी ले आता था <laughs> कुछ खुद खुद कमा लेता था तो वाल साहब के पास बहुत तो नहीं थे लेकिन वो एक लोअर मिडिल क्लास थे जॉब करते थे आ, आ, ए, वो हकीम थे एक सरकारी हॉस्पिटल में जया के दौर में आपको मैं बताऊँ दो जॉब्स हर सरकारी हॉस्पिटल में ना एक डिस्ट्रिक्ट में खुली थी होम्योपैथिक डॉक्टर की एक जॉब और एक शोबह तिब की जिसको हम हकीम बोलते हैं तो वो उस वक्त ही भर्तियाँ हुई थी और उसके बाद ख़त्म हो गई तो मेरे वाले सब उस वक्त भर्ती में उनकी जॉब हुई थी वहाँ उकाड़ा में सही। तो वो बस वो उनकी उनकी जॉब थी उसी से रिटायर हुए वो तो बस वो इसी तरह मैच करके जो है मेरी मेरी वालदा ने और वाले ने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे अपने उन हालात में भी तो मैं फिर उस तरह पढ़ता रहा और कुछ काम भी करता रहा फिर आता आहिस्ता सारा बोझ अपना खुद अपने कंधों पर उठाया तो बस ये ये इस तरह करता करता फिर सो so, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने आ, क्योंकि अब आ, आपकी मैस कम्युनिकेशन की डिग्री आ गई तो आपको ये तो समझ आ गया कि यार मीडिया में ही जाऊँगा जाहिर है मैं हाँ ग्रेजुएट आपने किस साल किया असल में मैस कम्युनिकेशन के पीछे वजह ये थी कि जब मैंने मैस कम्युनिकेशन का फ़ैसला किया तब अभी पाकिस्तान में इतने चैनल नहीं थे उस वक्त आपको याद होगा सिर्फ़ आज न्यूज सबसे पहले पहले लॉन्च हुआ था उसके बाद जियो आया था अच्छा आज जियो से पहले आज पहले आया था आज पहले आया था अच्छा तो आज पे जो है इतना हमें ये पाकिस्तानियों को पता लग गया था कि यार प्राइवेट चैनल आ रहे हैं अच्छा और लाइसेंस भी लोग लोग ले रहे थे एयरवाई और जियो पास पास ही आए थे लेकिन सबसे पहले ये लोग नहीं आए थे लेकिन उस वक्त फिर ना एक बूम बन गया अच्छा जी हामिद मीर इतना बड़ा साफ़ी है अच्छा ये हर एक ना क्रेज हो गया कि ये भी स्टार्स हो सकते हैं तो आ, उससे पहले मैंने जब बी ऑनर कर रहा था तो वो इस्लामिक स्टडीज़ में था अब मुझे ये मुझे ये अच्छा नहीं फील हो रहा था कि यार मैंने टीचिंग ये डिग्री करके मैं सवाए टीचिंग के कोई स्कोप नहीं होगा और मुझे शौक़ था स्टोरी टेलिंग का तो मैं फिर मुझे लगा कि यार अगर किसी तरह मैं मैथ कॉम में दाखिला ले लूँ तो मुझे ये स्टोरी टेलिंग का शौक पूरा हो सकता है तो मैंने उसके लिए सारी कोशिश की तो मुझे ये पता लगा कि मैथ्स कॉम वाले ना बीए ऑनर्स वालों का इस्लामिक स्टडीज़ का मेरिट नहीं लेते बहुत बड़ा एक कट लगाते हैं मुझे नहीं परसेंटेज याद लेकिन ठीक ठाक परसेंटेज थी शायद ट्वेंटी या थर्टी परसेंट नंबर आपके काट लेते हैं अच्छा आप आप वहाँ से आए हैं क्या वजह थी मुझे अब नहीं याद वो देखें बहुत पुरानी बात अब देखें ना इक्कीस साल पहले की बात है तो वो मुझे अब नहीं याद नहीं है तो लेकिन को था इस तरह तो मेरा आखिरकार लेकिन मैं एक अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने में ठीक था मैं तो आ, मेरे नंबर इतने आ गए कि मैंने वहाँ पर जब अप्लाई किया आ, तो ऑन मेरिट मेरा हो गया मतलब मुझे बहुत हैवी फीस नहीं, नहीं देना पड़ी तो मेरा दाखला हो गया और उस वक्त मुझे पता लगा कि बी एनर का उस वक्त तक मैं वाहिद स्टूडेंट था जिसका मैथ्स को मैं दाखिला हुआ अच्छा हाँ और ऑन मेरिट वहाँ पर आ सकते थे फोर्टी लोग फिफ्टीन जो थे वो पे करके आते थे तो मेरा 41 वन रोल नंबर था अच्छा हाँ तो राइट एच दिया हाँ राइट मतलब ये इस तरह यानी देखें ना कहानी का मजा ये है कि आप एज पे आके किसी चीज़ को कम्प्लीट करें स्टार्ट में कर लिया मिडल में कर लिया तो वो कहानी का सारा थ्रिल खत्म हो है और ग्रेजुएशन के सारे टू थाउजेंड थ्री में और कैसी थी वो डिग्री अच्छी डिग्री थी लगा आपने सीखा है और ग्रो किया उसमें हाँ क्योंकि आज के बड़ा ही सुनने को आता है ना कि यार तो टाइम्स यूनिवर्सिटीज डग्रियाँ मैं आपको बताऊँ तो तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में डिग्रीज हैं ना वो उस सिर्फ आपको एक इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस देती हैं कुछ नहीं सिखाया जाता पाकिस्तान की डिग्रीज़ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंटरनेशनली किसी में यार की नहीं है कोई रिसर्च किसी में आर की नहीं है बड़े अफसोस की बात है लोगों को बुरी लगेगी लेकिन मैं ऐसी बातें हमेशा लोगों को ये कह के करता हूँ कि सच ही बोलना चाहिए झूठ बोल के बहुत लोग धोखे देने वाले और हैं तो हमारी डिग्री किसी की भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है ना टीचर्स इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और स्पीकिंग स्टूडेंट पढ़ने के लिए जब आ गया है तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट का कसूर अब नहीं रहा वो आ गया है अब आपने उसे कैसे पढ़ाना है उसे क्या फीस भी तो आप अपनी मर्ज़ी की ले रहे हैं ना तो आप उस आप ये इदारों की और टीचर्स की मैं उसको ज़्यादा नालयी कहूँगा कि वो उनको दे ही नहीं पाते जो उनको चाहिए उनसे वो रिसर्च वर्क करवा ही नहीं पाते क्योंकि वो ख़ुद भी खुद भी उसी तरह आए होते हैं तो ये तो कोई लेवल ही नहीं है इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन एक इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस आप लेते हैं कि पढ़े लिखे सोसाइटी के नस्बतान पढ़े लिखे लोगों के दरमियान आप रोज़ जाते हैं उठते हैं बैठते हैं जो आपका जिस कोर्स में आप कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दाएँ बाएँ से पता लगती रहती हैं कुछ टीचर के बोलने से कुछ आपस में गपशप से तो उससे ना आप अपनी इर्द गिर्द की माहौल में जो लोग ये वेल नहीं कर सके उनसे थोड़े बेहतर हो जाते हैं बस ये हम हासिल करते हैं आ, और अपने शौक से कोई कुछ जो करना चाहे वो कर ले तो मेरा उस वक्त शौक़ था तफसीर का और हदीस का तो इसमें मैं बहुत अच्छा था आ, बाकी मजामी मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे और इसमें डिग्री में दाखला भी मेरा बाई चांस ही हुआ था क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो साल ज़ाया कर चुका था और आ, कहीं और चांस नहीं बन रहा था कई जगहों पर ट्राई किया तो फिर ये सोच के कि यार ये ना हो दाखला ही ना हो तो अरसलान रफी साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे लाहौर में हमारे दोस्त वो उन्होंने मेरा दाखिला करवाया फिर उन्होंने कहा यार यहाँ मेरठ है यहाँ तुम्हारा हो जाएगा दो साल बाद कभी कोई इतना मसला नहीं है आप कर लो तो वो मैंने फिर इसलिए कि यार ये ना हो कि मैं कहीं पढ़ ही रह जाऊँ तो ये था और जब ग्रेजुएट किया तो आपने फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि अब आप मैं कम्यूनिकेशन डिग्री है मीडिया एकदम से उठ रहा है तो अगला स्टेप आपका क्या था मैस्कूम के बाद देखिए मैं तो बहुत पहले अब ये बात ना बड़ी किताबी सी फील होती है लेकिन मैंने अपना तय कर लिया था कि मैं जो भी करूँगा मैं कहानी सुनाऊँगा सही है ठीक है उसकी उसका उसकी वजह यह है कि मुझे कहानी सुनाते हुए जो मज़ा आता था ना जो जिस तरह से करैक्टर्स और वो सचुएशन मेरे जहन में अनफोल्ड होती थी वो एक थ्रिल मुझे ऐसा ऐसा देती थी जो मुझे कोई और चीज़ नहीं दे पाती थी मतलब मेरे मैं अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में बहुत बदनाम हुई इस बात में कि मैं बार बार रोक के जो मुझसे बात कर रहा है उसे पूछता हूँ कौन अच्छा वो वो मुझे मुझे फ़र्ज़ करें किसी ने कहा तारिक मैं कौन से वाला तारिक अच्छा वो घर में बैठा था किसके घर में अच्छा क्योंकि मेरे जहन में पूरा नक्शा बन रहा होता है वो मैं अपने जहन के में पूरा, विजुलाइज विजुलाइज करके आप हैं। कर रहा होता जहाँ मुझे फील होता है यार चीज फिट नहीं हुई तो मैं उसको पूछने लगता हूँ और आलमोस्ट मेरे तमाम दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर्स मेरी इस बात से बहुत इरीटेट हैं लेकिन मसला यह है कि मैं उसको पूरा कैनवस अपने माइंड में बनाए बगैर ना तो बात कर सकता हूँ ना बात सुन सकता हूँ तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हस्नैन मेरे साथ मिलकर रिसर्च करते हैं तो वो जब कुछ रिसर्च में कुछ पॉइंट्स तैयार करते हैं स्टोरी तैयार करते हैं मेरे साथ कुछ मैं करता हूँ कुछ वो करता हूँ जब वो हम आपस में शेयर कर रहे होते हैं तो जो मैंने रिसर्च की होती है जो मेरे पॉइंट्स होते हैं वो पाँच मिनट लगाता है समझने में अच्छा ये हो गया तो जो उसने बनाए होते हैं मैं कम अज़ कम उसको तीन चार घंटे लगाता हूँ एक एक चीज़ को पूरा समझ उसके बाद फिर मैं उसको लिखने बैठता हूँ जब सब चले जाते हैं दफ्तर खाली हो जाता है फिर मैं पुस्कून होकर मुझे कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे दस से रात दो बजे तक ये चार घंटे जो हैं ये मेरे प्राइवेट हैं सही है इसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता सही है तो इसमें मैं फिर वो अपनी तनहाई भी इंजॉय करता हूँ और फिर वो स्टोरी जिसके मैंने कई दिन से रिसर्च की होती है मैंने मेरी टीम ने तो वो फिर उनकी स्टोरी लिखना शुरू करता हूँ क्योंकि अब मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता पूरा कैनवस बनता जाता है अच्छा यहाँ ये यह हुआ ये हुआ तो फिर मेरे मैं उस राइट जो मेरा मेरा व्यूअर है मैंने उसको ये ये सोचा होता है कि मैं उसको उंगली पकड़ के एक एक जगह पे लेके जाऊंगा फिर उसको लिंक बताऊंगा ये इमारत इससे क्यों जुड़ी हुई है और अगर इनमें दो में फ़ासला है तो क्यों है इस गांव के गिर पूरा चक्कर लगवाऊंगा इसका इसका जौहर दिखाऊंगा इसका बरगद दिखाऊंगा इसका इसके लोग दिखाऊंगा इसके बूढ़े दिखाऊंगा फिर मैं बताऊँगा कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को स... मैं ये फिर वो मेरा ये जो थ्रिल थी ना ये मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिलती थी तो अशफाक खान साहब यूनस हसरत साहब बड़े एक मारूफ पाकिस्तान के अदीब हैं उनके बैठे वो मेरे उस्ताद थे उन्होंने मुझे जो है इस इसमें रिफ़ाइन किया पैगाम डाइजेस्ट में कहानी कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे इंग्लिश राइटर्स की कहानियाँ मुझे पढ़ने को दी कि इनको तर्जमा करो इनको लिखो इनको समझो कि ये कैसे लिखते थे hmm. क्योंकि जब आप आप पढ़ते हैं तो तो आप सीखते हैं लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो और अच्छा सीखते हैं तो वहाँ से फिर जो है ना ये सारा सिलसिला मेरे जहन में क्लियर था कि यार मैंने जो भी करना है स्टोरी टेलिंग करनी है और सो ऑफ इन टर्म्स एंड वर्क यू दूडेड मैंने ये सबसे पहले सोचा कि मैं कभी जॉब नहीं करूँगा बल्कि कोई ना कोई बिजनेस करूँगा लेकिन वो चूँकि पास सरमाया नहीं था इसलिए अर्ली टाइम में बहुत लोगों ने धोखे दिए मतलब बहुत बैड सीन्स हुए साल हर साल ज़ाया होते गए तीन चार साल यानी 2003 से लेके 2007 थाउजेंड तक के चार साल जो थे ना ये टोटल एक जो था रास ट्राफ़ी थी कि जो एक बंदा बिजनेस करने है चाह रहा है मुसलसल काम कर रहा है प्रजेंटेशन दे रहा है लोगों को जाके कंपनीज़ के पास जा रहा है इन्वेस्टर्स के साथ जा रहा है लोग उसके साथ आ भी रहे हैं उसका आइडियाज़ भी पसंद कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं स्टोरीज भी बन रही हैं एड्स भी बन रहे हैं लेकिन इनकम स्ट्रीम जनरेट नहीं हो पा रही कोई मुस्किल रोजगार नहीं बन पा रहा और कोई मतलब हर शख्स आपको यूं यूँ डील करता है कि यार आपको कितने कितने पैसे चाहिए दो तीन हज़ार ही तो आपको चाहिए ना फीस चीज़ पे करनी है तो ये ले लो अच्छा अब ज़ाहिर है आप तो इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं ना आप तो एक अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि इत, काम भी अच्छा होगा पैसे भी अच्छे होंगे तो वो उसके लिए बहुत बहुत फिर जो है ना अच्छे लोग भी, भी मिले बुरे भी मिले अच्छे लोगों का मैं ज़रूर नाम लेता हूँ और बुरे लोग ठीक है मेरे ख्याल में होंगे हो सकता है वो बहुत अच्छे लोग होंगे लेकिन मुझे नहीं उन्होंने उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया उनसे मैंने अपने आप को डिस्टेंस किया और एक लिस्ट बनाई कि इन लोगों के साथ मैंने ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं और इनसे कुछ सीखना है ये लोग मेरी ज़िंदगी से माइनस होंगे उसमें जो मुझे डीमोटिवेट करते थे जो नुकसान करते थे जो चीज़ें छुपाते थे सब लोग उसमें शामिल थे उस वक्त बहुत ऊट काम किए मतलब पश्तो फिल्म तक में जाके असिस्ट किया अच्छा हाँ वहाँ जाके किया पंजाबी क्या होती है? मतलब ये कोई इंडस्ट्री है पूरी बिकॉज पूरी इंडस्ट्री बहुत, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उस वक्त अर्ली टू में नाइन अलेवन के फ़ौरन बाद आ, मुझे भी उसी वक्त एक्सपीरियंस हुआ कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉफिट यकीन नहीं था प्रोड्यूसर को अच्छा हाँ होता क्या था किस तरह की ये ये होता था कि आ, जैसे आपने अगर पंजाबी या उर्दू फिल्म बनानी है आपको बहुत पैसा चाहिए सही गे? है सैनम पाकिस्तान में उस वक्त नहीं थे उस वक्त बहुत बड़ी डिबेट थी कि इंडिया की फिल्में बंद कर दें इंग्लिश भी बंद कर दें तो हर अब फिल्म नहीं होगी तो सनेमा भी नहीं होगा अब जिस तरह के सैनमाज थे ना वहाँ पर अच्छा मज़े की बात यह है कि पश्तो फिल्म में बहुत से करैक्टर पंजाबी होते थे अच्छा हाँ और पश्तो एक्टर्स बाद में सिर्फ डबिंग करते थे तो उसमें यह था कि एक डब्बा एक एक होती थी फिल्म के एक बना बनाया स्क्रिप्ट है स्टूडियो uh, में दो तीन कमरे हैं जहाँ से आपको स्क्रिप्ट मिलेगा दो तीन कमरे हैं जहाँ से आपको उनमें से किसी से भी जाके आप उसको दें पैसे म्यूज़िक बनवाएँ एक डायरेक्टर का कमरा है उसको जाके आप पैसे दें एक लाख दो लाख पाँच लाख मैक्सिमम दस लाख तक आप उसको जो भी आपका बजट है उसके उससे जाके तय करें तो वो आपके लिए एक फिल्म बना देगा फिल्म बना देगा फिल्म बना देगा और वो उसका नाम भी आप कुछ सोच रहे हैं कोई ऐसी स्टोरी भी जब फिल्म बन रही होगी तो साथ साथ लिखी जा रही होगी तो बस वो वो फिर चंद एक सैनमाओं में चलेगी पिशावर में चलेगी कराची में चलेगी दुबई में चलेगी आ, ये सैमा तो मुझे पता था दुबई में भी चल रही दुबई फिल्म। में फिल्म चलेगी असल में जहाँ जहाँ पश्तो स्पीकिंग लोग थे ना वहाँ उसने एक एक शो दो दो शो एक हफ्ता शो चलेगा तो जितनी को आपकी अमाउंट लगी है प्रोड्यूसर की उससे कुछ ज़्यादा पैसे वो कमा लेगा सही है ये यकीन नहीं था तो इसलिए जो छोटा इन्वेस्टर था ना उस वक्त सैनमा इंडस्ट्री तो तबाह हो चुकी थी आ, ये तो टीवी आया तो इसने फिर उसको थोड़ा सा बूम दिया है आ, और सैनम आए हैं बाकी दुनिया की फिल्में दिखाना शुरू की सैनमाज खुले तो फिर पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स पैदा हुए फिल्में लगना शुरू हुई सैनमा ना होते तो ये भी ना होते तो वो फिर ना उसमें उस वक्त एक प्रॉफिट यकीनी था तो लाहौर में स्टूडियोज जो थे ना वो सबसे ज़्यादा पश्तो फिल्म ही बना रहे थे तो फिर अब स्टोरी टेलिंग के शौक में वहाँ चला गया फिर जियो के साथ भी काम करने की बड़ी कोशिश की स्क्रिप्ट लिखे लेके गया बहुत कुछ प्रे... उनको प्रेजेंट किया वो बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स भी करते थे लेकिन साथ काम नहीं करवाते थे आ, बस इसी तरह थक हार के फिर उतनी देर में एक्सप्रेस जब हुआ लॉन्च तो मैं कई दफ़ा ये स्टोरी पहले भी सुना चुका हूँ इंटरव्यूज में बस फिर वहाँ राहील ने मेरा और अपना सीवी जमा करवाया मेरी जॉब हो गई उसकी नहीं हुई तो फिर मैंने दस साल वहाँ जॉब की अच्छा वो किस आ, मतलब क्या रोल था आपका वहाँ पर सीनियर प्रोड्यूसर मेरी आखिरी जॉब थी वहाँ करंट अफ़ेयर्स अच्छा सो एक्सप्रेस से यूट्यूब की तरफ़ कैसे आया और यूट्यूब मेरा ख्याल है दो हज़ार सोलह तक तो बंद पड़ा हुआ था हाँ तो दो हज़ार सोलह में ही आपने काम शुरू किया या आपको नहीं मैं मुसल ट्राई कर रहा था मुसलसल अगर आप जाए ना उस पर डेली मोशन पे या वीमियो पे तो आपको मेरी बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी अच्छा क्योंकि स्टार्ट में मेरा ये ख्याल था कि यार बहुत से आ, क्योंकि मैं मैं स्टार्ट में आपको बताया लाहौर आके के ट्यूशन पढ़ाता रहा था तो मेरे जहन में था कि यार बहुत से कॉन्सेप्ट जो है ना अगर मैं उनको वीडियोज़ में उसको बना दूँ ना तो एक कंटिन्यूस एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो हमेशा लोग देखते रहेंगे तो मुझे इसके लिए काम करना चाहिए लेकिन ज़्यादा मेरे जहन में उस वक्त ये था क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह का बिज़नेस लाश करने की कोशिश कर रहा था मैं कि आ, ये चंद एक वीडियोस बना के किसी बड़ी स्कूल चेन के साथ मैं डील कर सकूंगा कि यार इस तरह की वीडियोस आपको अपने कोरिकलम की सारी बनानी चाहिए एनिमेटेड उसमें काफ़ी काम किया लेकिन फिर यूट्यूब बंद हो गया तो ज़ाहर है वो प्रोजेक्ट ही आइडिया ही फेल हो गया आ, फिर उसके बाद जब यूट्यूब दोबारा आया तो थोड़ी देर बाद आपको पता है एक और इशू पर इफतार चौधरी साहब ने फिर बंद कर दिया तो फिर काफ़ी टाइम लगा उसके बाद यूसुफ रज़ा गलानी जब वजी बने उनके मिड में कहीं आके खुला नहीं नहीं ये तो खुला है दो तो हज़ार सोलह में तो ये तो नवाज शरीफ की हुकूमत में खुला है हाँ सॉरी यूसफ रजा गलानी ने पाबंदी लगा थी हाँ, हाँ, यूसफ रज़ा गलानी के दौर में पाबंदी लगी थी सॉरी ठीक ठीक बात कर रहे हैं हम फिर जब नवाज शरीफ वजम बना तो तब वो खुला ना तो तब फिर एक दोबारा से इसको स्टार्ट किया लेकिन फौरी ने फिर किया वो फिर ये किया कि एक दफ़ा थोड़ी परेशानी भी थी कि यार पता नहीं फिर दोबारा बंद हो जाए और इतना पैसे और इतना टाइम भी नहीं था कि यार जॉब छोड़ के ये कर सके हाँ। तो बस फिर उसको सीखते रहे देखते रहे कैसे बल्कि मैं आपको बताऊँ मैंने पहले किसी जगह पर ये बात नहीं, नहीं बताई कि मैंने तीन चार दफ़ा YouTube अकाउंट बनाया हालांकि यूट्यूब अकाउंट बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है यूट्यूब मुझे हमेशा मेल कर देता था कि नहीं आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया किसी वजह से हालांकि कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही कुछ भी नहीं हो रहा अकाउंट नहीं बन रहा क्यों वो मुझे हर दफ़ा कोई अजीब सा लंबी सी मेल आती थी मैंने कहा पता नहीं क्या बात है क्यों ऐसे कर देते हैं फिर मैंने एक, एक अकाउंट बनाया एक और नाम से वो भी दो दिन बाद उन्होंने बंद कर दिया अच्छा अब मुझे समझना है कि मेरा अकाउंट यूट्यूब क्यों बंद कर देता है इसमें ऐसा ऐसा कुछ क्या है अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है तो ये क्यों बंद कर रहा है तो बरल एज तो नहीं गलत डाल रहे थे नहीं नहीं एज में ठीक डाला था मुझे यूँ लगा कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ है या पबंदियों की वजह से है या क्या है बहरल असल में मुझे बहुत देर में समझ आया कि ये वो पहला मेरा ई अकाउंट था जिससे मैंने शायद सबसे पहले बनाया था और उससे मैंने पता नहीं उसकी वजह से क्या हुआ पासवर्ड कहीं मतलब तो मुझे नहीं समझ आई कि क्या मैं आज सिस्टम की एरर थी कुछ के? सिस्टम की मेरे अपने अपनी तरफ एरर थी या मैं आज सोचूं तो मैं शायद मेरी हंसी भी निकले कि असल में शायद इंटरनेट ही इतना स्लो था कि वो आगे जा ही नहीं पाता था जब भी मैं उसको पासवर्ड वगैरह दे उसको अकाउंट बनाता था तो बनता नहीं था क्या वजह थी लेकिन उसने मेरा एक साल मार लिया अच्छा एक साल मैंने ना उसको बनाया नहीं क्योंकि देखे ना दो दफ़ा मैंने यूट्यूब अकाउंट बनाया तो यूट्यूब पर पाबंदी लगी फिर बनाया तो अब वो चल ही नहीं रहा अकाउंट गूगल को लंबी सी मेल करता है इतनी लंबी पड़ी भी नहीं जाती उसके बाद ये हुआ कि अहमद हसन एक हमारा दोस्त था उससे मैंने पूछा उसने मुझे बताया कि यार मैं आपको बना देता हूँ वो मेरे पास बैठा उसे फ़ौरन बना दिया मैंने कहा यार मैं भी ऐसे ही कर रहा था तो वो फिर मैंने सबसे पहले वो स्टार्ट किया विग सोचो उस चैनल का नाम था तो मैंने उस पर पहली एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि चाइना को पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है उस पर मैंने सारे ग्राफिक्स वगैरह एनिमेशन खुद की अपने लैपटॉप से हर चीज़ सब कुछ खुद किया किसी से नहीं करवाया और वो हैरान हैरानकन तौर पर हालाँकि उस तरह की वीडियो उस वक्त कोई भी नहीं बनाता था आज भी आप जाए ना उसमें तो जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैं हूँ एक छोटा सा वाशरूम था उसके दरवाजे में खड़ा हो के मैंने कैमरा रखा बहुत ही छोटा सा ऑफिस था इस मेज़ से थोड़ा सा ही बड़ा होगा तो साहब ने दीवार के वो रखा रखा कैमरा सॉरी कैमरा रखा उस उसके बाथरूम के दरवाजे में क्योंकि तक स्पेस थोड़ी थी पीछे खुद खुद खड़ा हुआ और उसके पीछे एक एक ग्रीन कपड़ा लगाया और उसको रिकॉर्डिंग का बटन दबा के तो भाग के आके उसके सामने रिकॉर्डिंग करता था और हाथ में तीन चार पेपर थे और उस पर पॉइंट्स लिखे हुए थे पहले एक एक दफ़ा सारे पॉइंट बोल के फिर मैं अल्फाफा चेंज वो पेज चेंज कर लेता था आ, फिर इस सारे पॉइंट बोलता था क्योंकि लिखा मैंने था, तो मुझे याद था मुझे तो पॉइंट्स देखने होते तो ये क्लूजन आया जैसे मैं सा सामने प्रोमोटर देख रहा हूँ हालाँकि प्रोमटर नहीं तो मैं जुबानी पढ़ रहा था तो वो वीडियो बहुत अच्छी चली अस्सी अस्सी हज़ार से ऊपर लोगों में पहली वीडियो।, पहली वीडियो ही और, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसके ऊपर आपने जाके पब्लिश किया कुछ बस खुद 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 जो है ही हुई खुद ही खुद ही खुद ही होगी ना असल में वो कंटेंट में इतनी जान थी हालांकि बहुत छोटी वीडियो थी तीन मिनट साढ़े तीन मिनट की तो उससे मुझे 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 लगा हाँ अब अब ठीक है अब काम करेंगे फिर मैंने उसके ऊपर और और वीडियोज़ बनाई फिर मेरे उस वक्त हमारे चैनल में एक्सप्रेस में एक मेरे दोस्त अब बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान शफकत साहब आ गए अच्छा उन्होंने मुझे देखा कि यार ये इसने बनाई है वीडियोस और ये वीडियो अच्छी चल रही है उन्होंने कहा यार सोनू ही सिखाओ मैं कहा यार ये तो एक बंदे का काम होता है आप सीख के क्या करेंगे ये तो कहते यार कल को टीवी चैनल ने ठुडा मार के निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा मैंने कहा चले भाई ठीक है फिर वो उन्होंने मुझे अपने दोस्तों से से मिलायासन उड़ाइच वगैरह और नूरुल्ला हबीब बकरम साहब वगैरह हम सब ने मिल के फिर अपनी एक कंपनी बनाई और फिर हमने इसको बाकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज़ से स्टार्ट किया सही है तो दो हज़ार सोलह में अफेक्टिवली आपने जो है फुल टाइम दो हज़ार सोलह में शुरू किया ये वाला चैनल या दो हज़ार सत्रह में किया दो हज़ार दो हज़ार अठारह में अठारह में सो हाँ. so, चार साल में आपका चैनल माशाल्लाह से जो है वो एक चैनल मतलब दो चैनल्स आपके मिलियन प्लस पे जा चुके हैं टू पॉइंट वन मिलियन पे एक है ठीक है हाँ, जो मेन चैनल है जो मेन है देखो सुनो जाना जो बेसिकली हिस्ट्री का चैनल है ना वही उसी पर मैं तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे लगाता हूँ सही है फिर ये है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं क्योंकि 10-12 साल तो मैंने किया है करंट अफेयर हाँ, तो और इंटरनेशनल न्यूज़ पर ख़ासतौर तो पर मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान में उसके ऊपर लोग बहुत बहुत गप्पें लगाते हैं तो मुझे जो भी अच्छी अपडेट लगे जिससे हमारे लोगों को अवेयर होना चाहिए साइंस में करंट अफेयर्स में और जो ग्रेट गेम्स दुनिया में चल रही हैं चाइना रशिया अमेरिका की उसमें जो मुझे चीज़ आ, अच्छी लगे इंटरेस्ट की लगे मैं उस पर वीलॉग भी फिर करता हूँ तो उसके भी तीन लाख और साढ़े साढ़े तीन लाख से ऊपर हैं सब्सक्राइबर वो कौन सा चैनल है फैसल उड़ाइच मेरे नाम से अभी अच्छा वो आपके नाम से हाँ और वो लेकिन उसमें हिस्ट्री का इतना नहीं होगा टच वो करंट वो वो समझ लें कि ग्लोबल जियो पोलिटिकल हाँ जियो उसमें मेरी राय भी होगी जबकि देखो सुनो जानो पे मेरी राय नहीं आपको मिलेगी उस पर सिर्फ हार्ड कोर कॉन्टेंट मिलेगा अच्छा ठीक हो गया और एक आपने जो स्टार्ट किया था जो आपने कहा सुनो बिग सोचो बिग बिग सोचो सबसे पहले वही स्टार्ट किया था लेकिन उसके बाद जब देखो सुनो जानो स्टार्ट कर लिया तो फिर मेरी पूरी तवज्जो इसकी तरफ हो गई तो मेरा छोटा भाई है उमर फारूक उसने फिर कहा कि यार ये मुझे 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 दे दो बिग सोचो मैं को चला लूँगा मैंने कहा चला लें जहर है वो मेरी एक लेगेसी थी वो मैं छोड़ तो नहीं सकता था उसे मैंने सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया था तो फिर मैं कुछ देर उसके साथ जो है ना बहुत एफिशिएंटली काम किया फिर वो एक, एक खुद एक पीएचडी है अच्छा हाँ डॉक्टर है वो आ, तो उसने फिर उसको ना संभाल लिया लेकिन ज़ाहिर है मेरे साथ ही है वो मेरी वो वो भी कंपनी है मेरी एफ़ एस डब्ल्यू मीडिया सही अपने नाम पर ही मैंने वो, मेरी पूरी कंपनी थी जहाँ मैं डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने आपको बताया ना वो एजुकेशन की सारी चीज़ें वो मैं उसी कंपनी के तहत बनाता था एफ एस डब्ल्यू मीडिया यानी सबसे पहली मेरी ये कंपनी थी तो ये जो बिक्सो जो है उसमें किस चीज़ के बारे में बात होती है आ, वो असल में जो जब उसको उसको बनाया था तो वो इसलिए मैंने बनाया था कि यहाँ के करंट अफेयर जो थे और जो इश्यूज़ जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे इसका नाम है नाम है बिग सोचो तो यार ज़रा इससे बाहर निकल के लोगों को चीज़ें दिखाएँ मोटिवेशनल भी हों कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में लॉन्च हुए हैं उनके ऊपर हो उसकी उसकी स्टोरीज़ हों जो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेज़ आ रही हैं उनकी स्टोरीज़ हों उस पर था लेकिन अभी उस पर Uh, जो है ना आप समझें कि हर तरह का कंटेंट आता है जो भी इंफॉर्मेशन होंगी लेकिन उस पर स्क्रीन पे नहीं आता वॉइस ओवर टाइप है राइट right. hmm. तो अभी अगर uh, मैं आपसे पूछूं <coughs> थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेसन को चेंज करूंगा uh, ज़ाहिर है कि आपने कंटेंट तो कंटेंट है कंटेंट इज़ अ अन्स टू एन एंड जो वैल्यू है वो ज़ाहिर है कि एक तो जो आप पढ़ रहे हैं जो आप रिसर्च कर रहे हैं आई थिंक उसकी वैल्यू है और उसको जब आप कन्वर्ट करके अपनी ऑडियंस तक लेकर जाते हैं उसकी वैल्यू है जो आप शुरू को आम कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू है आ, उस सारी रिसर्च के अंदर ज़ाहिर है कि आपने आ, 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 दुनिया को बहुत डिफरेंटली अब देखना शुरू कर दिया होगा नाउ दैट यू नो सो मच तो अगर मैं आपसे पूछूं आ, कि आपको क्या समझ आती है हिस्ट्री को देख कर, एक कहा जाता है ना कि हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग इट तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपसे अगर मैं एक तबसरा hmm. लूँ कि आपने इतनी डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज़ पढ़ी सारा कुछ पढ़ा hmm. आपके लिए सबसे एक्साइटिंग बात क्या है हिस्ट्री में देखें हिस्ट्री जो है ना रिपीट से ज़्यादा रैम करती है खुद को रिपीट से आपके जहन में ये आ, आता है शायद पूरा एक साइकिल होता है इस तरह मतलब कि मिलती जुलती चीज़ें तो हैं इसमें कोई शक नहीं है हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है जो मैं कई दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों को कि आप उतना ज़्यादा जी लेते हैं जितनी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं क्योंकि आज आप और मैं अगर बैठे बात कर रहे हैं मुजमिल साहब और फैसल साहब बैठे बात कर रहे हैं तो हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जितना खंगाल सकते हैं हमें लगता है कि हम उतने ज़्यादा जिए हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक मेमोरी ही है आपके अगर बैक पे तीस साल हैं पच्चीस साल हैं और मेरे बैक पे 43 थ्री ईयर्स हैं तो 43 थ्री ईयर बेसिकली मैं इनको कहीं टच तो नहीं कर सकता ये एक याद की तरह हैं एक सा है एक ब्रेन में कुछ न्यूरॉन में कैच कुछ इमेजेस हैं बस यही है तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो आप बेसिकली उसको उस अपनी अपनी लिमिट को एक्सटेंड करते जाते हैं पीछे देखते जाते हैं सौ साल फिर दो सौ साल फिर पाँच सौ साल फिर दस हज़ार साल जिससे जैसे आप हिस्ट्री को बारीकी से देखते जाते हैं आपको लगता है कि आपके पास आप इतने ज़्यादा साल जिए हैं और आप उसको गौर करते हैं कि ये चीज़ कैसे है सबसे बड़ा हिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है ना वो वही है जो स्पेस का होता है सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री में बायस होकर किसी की बहुत मोहब्बत या किसी की नफरत में जाके हिस्ट्री को नहीं पढ़ते सिर्फ ये देखने के लिए पढ़ते हैं कि हुआ क्या था और ये देख के पढ़ते हैं और और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये कुछ लोगों ने ही लिखी है और वो लोग बायस्ड भी होंगे ये तो हो नहीं सकता कोई इंसान और थोड़ा बहुत बायस ये कैसे हो सकता है ऐसे। और फिर जितनी पुरानी हिस्ट्री है उतनी ज़्यादा बायस्ड है तो जब बाहर आला आप ये जहन में रख के पढ़ते हैं तो आपको आपके अंदर हमबलनेस आ जाती है सबसे पहले आपको ये पता लगता है कि जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है इसमें कोई इतनी बड़ी ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कुछ भी नया नहीं है नहीं। जैसे लीडर्स आप आज देख रहे हैं ऐसे लीडर दुनिया में करोड़ों बार आ चुके हैं कब्रिस्तान ऐसी नामालूम कब्रों से भरे पड़े हैं कि जिनमें किसी को ये भी नहीं पता कि ये ये जो यहाँ शख्स सोया हुआ है या यहाँ पता नहीं उसका क्या है वो कभी अपने इलाके अपने मुल्क का कुछ कंदर था किसी को नहीं पता तो और वो जितनी बड़ी चेंजेस के लिए लड़ रहा था या जो कुछ भी कर रहा था वो आज उसका कोई माना नहीं है तो आपको हम्बल्स होती है बहुत ज़्यादा कि आप चीज़ों को कूल एंड काम होकर देखना शुरू करते हैं दूसरा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ सीखते हैं पढ़ने के बाद उसको गौर करने के बाद वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी के अपने मानी क्या हैं आपको बहुत आसानी हो जाती है इस बात में कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है Hmm. मुझे कई दोस्त ये बात कहते हैं कि यार आप इस पर भी हैं इस प्लेटफॉर्म पर भी हैं इस प्लेटफार्म भी हैं ये भी करें यह भी करें यह भी करें लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार ये मैं सब कुछ भी कर लूँ तो इसका मानी क्या है अगर मेरे पास वक्त नहीं होगा ठीक है तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं या जो मेरे पास दो चार पैसे हैं अगर मेरे पास उसको इंजॉय करने का टाइम नहीं है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है तो फिर ये सब चीज़ों का कोई मानी नहीं है नहीं। फिर आप एक मशीन ही हैं आप एक रोबोट ही हैं तो ये मैं एक, एक बता रहा हूँ कि एक हम्बलनेस में आती है एक आप अपनी लाइफ को कोई मानी देने के काबिल होते हैं अगर आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कूल एंड काम नफॉर्चुनेटली uh, सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है पिछले दस बारह पंद्रह साल में अगर आप लेकर आए uh, तो एक इट सीम्स लाइक के जो कूलनेस है और जो कामनेस है वो कम से कम होती जा रही है uh, आप गांव में uh, बड़े हुए uh, वो है तो होता है ना इग्नोरेंसिस ब्लिस कह लें उसको हाँ। कि शायद वो वक्त अच्छे थे जब हमें अपने इलाके का ही पता लगता था मैं इस्लामाबाद में बड़ा हुआ थियोरेटिकली uh, शहर था बट हमें कुछ ऐसा ज़्यादा पता नहीं होता था कोई मीडिया चैनल नहीं था जो सुबह शाम तंग कर रहा होता था hmm. uh, uh, अगर हमें तहकीक भी करनी होती थी आज हमारे पास पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज कोई भी नहीं है hmm. और उस टाइम के ऊपर हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती थी बट हम नॉलेज बना लेते थे हम अपने बड़ों से पूछते थे हम एक बट एक एक एक, एक सुकून था एक पेशेंस था जिसके तहत हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को तहकीक की तरफ चले जाते थे आज अगर मैं देखूँ माशरे को ख़ासकर जो नौजवान है तो वो विद ऑल दी नॉलेज जो अवेलेबल है उसके बावजूद लगता है ये ऐसा है सोशल मीडिया पे जब बात की जाए उनसे कि वो बात ही ऐसे करते हैं जिस तरह उनके पास सुप्रीम नॉलेज आ गई हुई है और ये मैं किसी एक डायरेक्शन में नहीं कर रहा इसमें आप रिलीजन को ले आएँ इसमें, आए, इसमें आप पॉलिटिक्स को ले आएँ इसमें आप बहुत सारे पोलराइजिंग सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो ऐसे बात करेंगे जिस तरह से उन्होंने तो, तो तमीम तो तमाम दुनिया की और आप जिस तरह कह रहे हैं कि जब आप एक दफ़ा नॉलेज में घुसते हैं तो आपको समझ आती है कि मेरी पूरी जिंदगी अगर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गैदरिंग में भी गुजर जाए ना तो आई विल नेवर नो इनफ यस राइट एंड दैट्स द ह्यूमिलिटी दैट यू टॉक अबाउट यस इनिटी सो हाउ डू यू सी दैट एस्पेक्ट जाहिर है आपने जब हिस्ट्री भी की होगी तो उस पर भी आपको कॉमेंट सेक्शन में दरमान में कभी बार लोग आए होंगे कि वो ये तू गलत कह रहा है ये तो बहुत, वैसे था, बहुत तो वैसे वैसे था हुआ, हुआ।, हुआ। क्योंकि लोगों का एक अपना ना बिलीफ सिस्टम होता है और जब वो बिलीफ सिस्टम चैलेंज होता है तो फिर लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये ना कोई मेरे साथ गेम हो रही है हाँ। ये कोई कोई एजेंडा है वहाँ या तो इंफॉर्मेशन है यू डू डूट यू डू विद दैट इन्फॉर्मेशन आप इधर से भी लें आप चार और जगहों से लें और मिलके एक दिमाग बनाएं लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अल्लाह ताला ने जब अशरफ अमखलूक़ात बोला तो उसमें अगर इंसान के दिमाग में ये एरोगेंस आ जाए कि मुझे सब पता है तो बड़ी डैमेजिंग सी बात है क्योंकि अशरफ और मखलूक का मतलब ये नहीं था कि मैंने तुम्हें पैदा ही हर नॉलेज के साथ कर दिया बटर दी एबिलिटी टू गो आउट देयर एंड गेट द नॉलेज देयर एंड आई थिंक अगर आप उस एरोगेंस में होंगे तो वो एबिलिटी आप लूज कर जाते हो तो वट यू थिंक अबाउट द ग्रोइंग पोलराइजेशन जो एक एग्रेशन है नौजवानों में जो एक मैं इसको कहूँगा लैक ऑफ एबिलिटी टू गो आउट देयर एंड लर्न है असल में बात ये हो गई है कि मॉडर्न जो ह्यूमन है ना आज का ह्यूमन और खासतौर पर यंगस्टर जो है उसके पास एक एलियन ऑफ नॉलेज है नॉलेज नहीं है एलियन ऑफ नॉलेज है और अगर ये कहें ना कि ज़्यादा है मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं है बहुत कम है वो ऐसे कि जो हमारा प्रमिटिव इंसान था ना जो हमारे एनसेस्टर्स थे जितना भी आप पास्ट में जाएंगे जितना आप ज़्यादा पास्ट में जाएंगे उसके पास हमसे उतना ज़्यादा मलूम थी वो इसलिए कि जो मालूम उसको चाहिए थी मतलब अगर वो 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 शिकार करता है तो उसको बहुत अच्छी तरह ये ये पता था कि मुझे किस तरह का तीर साल के किस मौसम में किस जानवर को मारने के लिए चाहिए कौन सी मुझे कमान चाहिए उससे उसके उसके इर्द गिर्द मैंने जो कोई धागा या चमड़ा या जो चीज़ बानी वो क्या है अच्छा मैंने कुछ चीज़ इस इस जगह पर अपना घर बनाना है उसके मुझे क्या चीज़ चाहिए उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो उसको ज़िंदगी के लिए चाहिए और वो उसका प्रैक्टिकल करता था आज ये है कि आज हम जिस चीज़ को इन्फॉर्मेशन कहते हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं अगर मैं एक से दूसरा सवाल करूं बल्कि कोई मुझसे करे तो मुझे मुझे उसका नहीं पता मेरे पास ये फ़ोन है ये काम कैसे करता है मुझे नहीं पता इसमें जो इंफॉर्मेशन आई है क्या वो दुरुस्त है मेरे पास को चेक करने का कोई जरिया नहीं है प्रिमिटिव इंसान के पास उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके पास उसको चेक करने का तरीका था अगर उसको ये 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 बताया जाता है कि यार यहाँ पर आपने अगर आग जलाएंगे तो आप रात को महफूज़ रहेंगे तो वो रात को आग जला के चेक कर लेता था मैं महफूज रहूँगा अगर उसको बताया जाता था कि दलदली ज़मीन में आपने नहीं जाना वहाँ पर गर्मियों में मच्छर और और सांप आएंगे आपको मार देंगे लिहाजा आपने इस वक्त इस मौसम में फलां जगह पे घर बनाना है और इस तरह से बनाना है उसको ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास उसको चेक करने का उसको इस्तेमाल करने का पूरा जरिया था वो जाहिल नहीं था जो उसने अपने क्लैन का लीडर चुनना था वो उसको पर्सनली जानता था उसको पता था कि ये बहादुर है ये कमज़ोर है ये अच्छा है ये बुरा है ये क्या है ये खाता क्या है ये पीता क्या है जो ये बात कह रहा है ये सही है या गलत है उसके पास ये नॉलेज था आज ना हम जिसको लीडर कहते हैं उसको जानने का हमारे पास कोई तरीका है ना जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना हमारे पास ये तरीका है चेक करने का कि ये इफॉर्मेशन ठीक है या नहीं तो मैं इस बात को बाय नहीं करता बल्कि दुनिया के बेशुमार स्कॉलर्स नहीं नहीं करते कि आज के इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज आज के इंसान का इंसान अपने प्रमिटिव इंसान की नस्बत अपनी ज़रूरत के हिसाब से जाहिल है बहुत ज़्यादा जाहिल है उसके पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन आई थिंक इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बाद एक्सेस नहीं है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन को ले नहीं पा रहा हाँ और सबसे अहम बात ये है कि उसको कनेक्ट नहीं कर पाता हाँ। उसके बाद ये है कि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाता और उससे भी बड़ी बड़ी खतरनाक बात ये है कि वो ये समझने लग गया है कि मुझे सब पता है वो सब पता है इसलिए समझता है कि वी आर प्रिजनर्स ऑफ मॉडर्न एल्गोरिथम देखें देखिए जब आपने वो हाल ही का शेर ज़रूर सुना होगा कि कभी घोड़ा आगे, आगे बढ़ाने आगे बढ़ाने पर झगड़ा कभी पानी पीने पिलाने पर झगड़ा तो जो कदीम जो कबाइल की दुश्मनियाँ थीं और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करते थे एक वक्त में आ, वो क्यों करते थे क्योंकि जब आप क्लोज सोसाइटी में रहते हैं तो आपको दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिलता अच्छा मॉडर्न इंसान के साथ आजकल की बात कर रहा हूँ ये हो गया है कि वो एक्चुअली तो क्लैन्स में नहीं रह रहा लेकिन जिस सोशल मीडिया में वो दिन के जागते हुए बारह में से साढ़े ग्यारह घंटे गुजारता है उसमें क्लैन्स बन गए हैं क्योंकि एल्गोरिदम्स ने आपके टेस्ट आपके हम ख्याल लोग आहिस्ता आहिस्ता जिनको आप ज़्यादा टच करते हैं ज़्यादा देखते हैं उन्हीं को आपके स्मार्टफोन में डाला है अब आप एक डिजिटल क्लैन्स में हैं और उसमें आपको दूसरे क्लैन को समझने का कोई मौका नहीं मिलता जिसके बाद यह है कि जो खास ख़ासतौर पर आपसे मुझसे थोड़ी छोटी उम्र के हैं जिन्होंने जिन्होंने होश में आते ही सोशल मीडिया देखा हमारे सामने तो ये डेवलप हुआ ना मैं तो पैदा हुआ था जब भुट्टो को फांसी हुई थी तो उसके दस दिन बाद मेरी वालदा को यही यही याद था मुझे बताती थी जब भुट्टो को फांसी हुई थी तो दस दिन बाद पैदा हुआ था यानी चार को उसको फांसी हुई चौदह अप्रैल को तो ये बहुत ही एक बुरी चीज़ है याद रखने की लेकिन हम क्या करें इसी तरह आ, तो खैर तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो टेप रिकॉर्डर देखा फिर वो फीते वाली फिल्म देखी फिर उसको जाते हुए वो सारी चीज़ें लेकिन आजकल के जो बच्चे मेरे भी जो मेरा मेरा बेटा है और मेरे दीजे भाजे हैं जिन्होंने आँख ही उस वक्त खुली जब सोशल मीडिया सामने था उन्होंने स्टार्ट में ही छः महीने में अपना डिजिटल क्लैन ने उसको पकड़ लिया एलगोरीदम ने क्योंकि एलगोरिदम को पैसे चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं अमेजोन हो, हो सिलिकॉन वैली ईमे हो, हो मेटा हो अली बाबा हो कोई भी हो आप शॉपिंग कर रहे हैं आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन्होंने एक एलगोरीदम ऐसा बनाया है कि आपके इंटरेस्ट और वो सारे लोग और सारी प्रोडक्ट्स एक जगह आ गई हैं और आपको दूसरी का बिल्कुल नहीं पता ब्लाइंड हैं अच्छा अब इससे एक इंतहा पसंदी पैदा होती है क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं वो आपके ख्याल में तो सोफिस दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि तो आप कई साल से आपके इर्द गिर्द वही बात रिपीट कर रहा है क्योंकि नाउ यू आर पार्ट ऑफ अ डिजिटल क्लैन Hmm. तो ये चीज़ आपको एक और आलूजन देती है कि यार मुझे तो सब पता है मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पॉलिटिकल है लेकिन उसको समझने के लिए सब जो है ना देखने वाले वो इसको इसको समझे मैं किसी को बैशिंग नहीं कर रहा आप एक नून लीग के सपोर्टर को जाके कोई ऐसी बात पूछें जो पी वाले बहुत डिस्कस करते हैं hmm. वो एकदम हैरानी से कहेगा ये अच्छा ये ये कब हुआ था अच्छा इसी तरह इमरान खान के के खिलाफ बात जो नून लीग के लोग बहुत डिस्कस करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप एक पीटीए के बंदे से पूछें उसको पता ही नहीं होगा कि अच्छा मैं मामा से पूछ के बताऊंगा मतलब उसको नहीं पता होगा ये क्या बात है क्यों अब देखें उसको मुसलसल दोनों को एक एक, एक एलुजन है कि मुझे सब पता है क्योंकि वो एक डिजिटल क्लैन में अब, अब चला गया जकड़ा गया है ये उस क्लैन से भी ख़तरनाक है जो हम एक 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 प्रिटिव इंसान के इंडस्ट्रियल दौर से पहले के होते थे उसमें तो फिर भी एक इंसान को दूसरे की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी कि एटलीस्ट आपके जो ट्रेड रूट्स थे उसमें आपको पीस चाहिए होता था और हर इलाके में तय होता था कि फला महीनों में जो ट्रेड के महीने हैं इसमें हम कत्लों गारत नहीं करेंगे ये उनको तकदस तो बाद में दिया ना लोगों लो ने बेसिकली तो वो होते थे ट्रेड के महीने कि यार इसमें अगर हम आपस में लड़ेंगे ना तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे दोनों कबीले भूखे मर जाएंगे लेकिन अब तो वो भी चीज़ ख़त्म हो गई तो ये मैं समझता हूँ इस बारे में राइट अभी जो आप इस वक्त देख रहे हैं करंट सिचुएशन <गराय> आ, पाकिस्तान के अंदर भी है और एक ग्लोबल भी है जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एंड इसमें पोलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में एक एक इकनॉमिक एक क्राइसिस भी है एक पोलिटिकल क्राइसिस भी है आ, एक, एक, एक एक मेरे हिसाब से एक सोशल एंड मॉरल क्राइसिस भी है हमें आए दिन जहाँ पर हमें अजीब व गरीब किस्म की ख़बर मिल रही है कि सियासत में ये हो रहा है तो पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा गैस ख़त्म हो रही है तो आने वाले वक्त में क्या होगा वहीं पर हमें अजीब व गरीब किस्म की वो भी मिलती हैं कि कतल हो गया रेप हो गया ये सारा कुछ हो गया यही जब हम उठाते हैं और दुनिया में देखते हैं एक वक्त था काफ़ी अब वक्त ऐसे आए हैं जिसमें हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे होते तो आप कहते हो यार सोच सोचता हूँ निकल जाऊँ बाहर बड़ा अच्छा होगा आज आप जाते हैं देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि यूक्रेन रशिया की जंग हो रही है यूरोप के अपने मसले आसमान पे हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान एक अजीब सी सिचुएशन है तो दुनिया ये एक अजीब मोड से गुजर रही है इसको आप कैसा देख रहे हैं और ख़ासकर मैं अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स में पूछूँ ऑफ कैमरा आपने थोड़ा सा मुझे इसका बताया भी कि यू नो आप इसको किस तरह देख रहे हैं और मैं ग्लोबली अगर आपसे पूछूँ ज़ाहिर है आपने इतनी तहकीक़ की है कि हाउ डू यू सी यू नो द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड वेयर आर वी वीडिड आने वाले वक्त में देखिए दुनिया में इस वक्त पॉपुलज़म बहुत पीक पे है क्योंकि जो चेंज आया है ना इस, इस वक्त दुनिया में इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी नस्ल जो के मैटर करती है जिसकी ओपिनियन से रजीम्स चेंज होंगी या आएंगी हुकूमतें बनेंगी या ख़त्म होंगी प्रेसिडेंट्स आएंगे या जाएंगे वो 22-23 साल के लोग हैं और ये लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुन्स हैं अच्छा अब ये लोग जो है ना इनको इसको इस ये जो जनरेशन जी है ना इसका सोचने का एक अपना अंदाज़ है ये इसको समझने के लिए अब सारी मल्टी नेशनल कंपनीज ने बहुत पैसा लगाया ये कम, ये लोगों ने एक ऐसी चीज़ को बूम बूम दिया है जिसमें के एम्पथी नहीं है नहीं। डिजिटल दुनिया में आप दूसरे के पाँव में जाके नहीं देख सकते नहीं। अब एम्पथी नहीं है तो अब क्या है अब यह है कि जो ज़्यादा पॉपुलर है वो और पॉपुलर होगा जैसे जो अमीर है वो और अमीर होगा इस चीज़ ने वो जो माइनॉरिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ख़त्म कर दिया एक बात दूसरी और आपको बताया कि विजडम हमेशा हमेशा माइनॉरिटी में होगी ये मुल्क बना भी माइनॉरिटी के लिए था और उसके बाद जब एक दफ़ा टूटा तो वो एक पावर मायनॉटी के कोई हकूक सलब करने की वजह से टूटा वैसे तो वो मैजोरिटी में थे लेकिन पावर का उनके पास छोटा पार्ट था दूसरा अहम पॉइंट ये है इस वक्त जो दुनिया में ये सारे हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो नसल है ना जो चीज़ों को ले के चल रही है ये वो नसल है जिसने आलमी जंगों के बहुत बात पैदा होने वाली है देखिए इस वक्त दुनिया में आप पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब जंग ना हो रही हो और अमन की कोशिश भी ना हो रही हो लेकिन बहुत बड़ी जंगों के टाइम बहुत कम आए हैं ख़ास तो पर सकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जिसमें बहुत से मुल्क बरह रास्त इन्वॉल्व हो जाएँ वो कम हुई प्रॉक्सीज हुई और आहस्ता आहिस्ता उनकी लिमिट भी कम होती गई लोग कहते हैं यार देखें इस वक्त भी जंग हो रही है आप ज़रा वॉलीम चेक करें कि बड़ी से बड़ी जंग में भी अभी सबसे ज़्यादा हलाकतें तो यहाँ हुई हैं ना अब योग यूक्रेन में दोनों साइड के सविलियन फौजी मिला भी लें आप एग्जैजेशन भी तो दो लाख लोग मारे गए पाकिस्तान इंडिया की सारी जंगें जो हैं दोनों तरफ के लोग आप मिला भी लें तो चालीस हज़ार लोग मारे गए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जंगें जिन्होंने बहुत बड़ी नहीं देखी वो एक ऐसी ऐसी दुनिया दुनिया को ऐसी तरफ खींच रहे हैं कि दुनिया फिर जंग की तरफ जा रही है दुनिया को जंग से बचाने का जो तरीका है वो एम्पथी है कि आप दूसरे के पाँव में खड़ा होना सीखें और वो उसकी ग़लत राय को अगर आपको 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 गलत लग रही है तो फिर भी उसको तस्लीम करने का हौसला करें लेकिन इस वक्त एक्सट्रीमिज़म इसलिए है कि एक दो डिजिटल क्लाइंस की मैंने आपको बात की दूसरी ये कि इस 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 नस्ल ने इस दुनिया में जो 22, 23, 24, 25 साल की जो एज है इन लोगों ने ज़्यादातर ने कोई जंग नहीं देखी एक 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 नस्ल जिसको बेबी बुमर्स कहते हैं उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी तबाही देखी थी करोड़ों लोग मर गए उनके जो बच्चे थे जिसको जो पहली पहली, पहली जनरेशन थी अच्छा उस जनरेशन ने अपने वालदे से कहानियाँ सुनी थी किसी का चचा मर गया था किसी की माँ मर गई थी किसी का पूरा ख़ानदान मर गया था वो सेकंड थी जिसने ये चीज़ें सुनी थी उनसे जिसमें आप आप लगा लें ये जो है बेबी बेबन आखिरी आखिरी जो है निशानी वो ये है ट्रम्प है ठीक है बिल्कुल बे एकदम से इतने बच्चे पैदा हुए कि उनको नाम दे दिया गया बेबी बूमर्स अच्छा अब वो उन्होंने होलना की देखी नहीं है ये इस नस्ल ने तो जिसने जंग की होलना की देखी ना ना हो तारीख का सबक ये है कि वो सबक उसको उसको वो जंग मांग रहा होता है आप, आप हिस्ट्री में देखें कि पहले जंग की हमायत में वोट पड़ते हैं अमेरिका जंग में क्यों नहीं जा रहा अमेरिका में एक सदर जीतता है जो इस नारे पे जीता है कि हाँ हम वर्ल्ड वॉर में जाएंगे और जर्मनी को हराएंगे अगला सदर इस नारे पे जीता है कि मैं जंग खत्म करूंगा ठीक हाँ। है ओबामा को आप देख लें ओबामा से पहले बुश इस नारे पे जीता कि मैं अमेरिका को को महफूज़ बनाऊँगा नाइन अलेवन का पूरा उसने किया एक और इलेक्शन जीत गया उसके बाद ओबामा इस नारे पे भी जीता कि मैं जंग ख़त्म करूंगा और जंग ना ख़त्म करने पे उसको बातें सुनना पड़ी और ट्रंप उसको ये हालांकि उन्हीं का रिपब्लिकन का था सदर से जंग शुरू की लेकिन वो कहना पड़ा देखो मैं जंग खत्म करवा रहा हूँ ठीक है तो ये जो लोगों ने जंग जब तक नहीं देखी होती तो जंग डिमांड कर रहे होते हैं जंग इंतहा भी तो एक जंग है ना पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं ये भी यही है कि हम लोगों ने वो तबाही देखी नहीं है जिससे गुजर के यूरोप ने एक सबक सीखा हुआ है तो मैं वो बार बार ये बात कई लोगों को मिसाल देता हूँ कि हम कहते तो बहुत है कि हमने हमारा दुश्मन है हमारे बड़े दुश्मनदार लोग हैं हम लेकिन बिलीव मी जो जिसको जंग कहते हैं जो हौलनाक जंग होती है अल्लाह ना करे कभी हम देखें वो अभी हमने देखी नहीं है जब हम देखेंगे तो कई नस्लें तबाह करेंगी उस जंग से आपको लगता है कि अजीब सी बात करने लगा लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि यार शायद पाकिस्तानी कौम जैसी कौमें जो हैं वो तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो एक उस नाक वाक़े से गुजरे ना अपने डी एन ए के अंदर छोटी यंग कंट्री है उसके डी एन ए के अंदर पार्टीशन में थे ऐसे लोग जब उसमें जब पार्टीशन में जो माइग्रेंट्स थे उन्होंने बहुत हॉरर देखा और उन्होंने उसके बाद फिर इसी वजह से आपको बहुत स्टोरी मिल, भी मिलती है कि लोअर मिडिल इनकम लोग थे बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने आप को अपर मिडिल क्लास तक ले आए लेकिन जो मोस्टली जो आपके पाकिस्तान में लोग बैठे हुए थे नॉन माइग्रेंट्स पंजाब में पंजाबी बैठा था के -पी में के -पी वाला बैठा हुआ वा था उनकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क नहीं पड़ा उनकी ज़िंदगी में पहले वो ब्रिटिश के साथ थे फिर वो पाकिस्तान बन गया वट जब तक के वो एक सिचुएशन ऐसी ना आए जिसमें शायद इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा है कि हमें भूख देखनी पड़े या जंग की हालत में जहाँ पर लाशें देखनी पड़े तब तक शायद असर ही ना हो और वो जो आपको एक रेनेसांस चाहिए जिस तरह यूरोपियन रेनेसांस भी आपका हुँ। हुँ। हुआ था तो उसमें भी अगर आप देखें उससे पहले गुजर गई थी तो उस रेनेसांस से पहले शायद हमें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इतना डैमेजिंग जगह पे जाना पड़ेगा कि जिसके ऊपर सारे के सारे आके बैठेंगे देखिए ना ये ये अगर हम बात करें ना तो हम मशर की पाकिस्तान की शक्ल में इससे एक दफ़ा गुजर चुके हैं ठीक है। हमारी याददाश्तों में वो इतना खौफनाक याददाश्त है कि जो कि हमने जिन्होंने नहीं भी देखी वो भी आज जरा सी पोलिटिकल सिचुएशन खौफनाक होने लगे तो हम कहते हैं यार हम इकत्तर वाली इस पॉइंट पर जा रहे हैं ठीक है यानी वो नेशन की एक मेमरी में हार्डवायर हो गई है चीज़ जिससे हम डरते हैं अच्छा ये हमने एक टॉस तो देख ली है लेकिन उसके दस साल बाद हमने फिर वही किया बल्कि दस साल बाद नहीं आठ साल बाद वही किया जो कि जिसकी वजह से एक तबाही हुई थी बल्कि छः साल बाद अच्छा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात नहीं है मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर किया है लोगों से बात की है कि यार हम में मसला क्या है पाकिस्तान है इंडिया है और अब बांग्लादेश भी है तीनों में लिट्रेसी रेट का फ़र्क है तीनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फ़र्क़ है तीनों में बच्चों की अमवाद का फ़र्क है तीनों में एकनमी का फ़र्क है अच्छा हमारे बाद आज़ाद होने वाले या हमारे साथ फ्री होने वाले मुल्क जिनको अपने आप को रूल करने का मौका मिला कोरिया की मिसाल ले लें चाइना की मिसाल ले लें वो हमसे आगे निकल गए इसकी वजह क्या है क्या हमारे डी में कोई इशू है कि हम आ, हम नहीं आगे जा पाते ऐसी वजह क्या है तो मैं आपको बताऊँ जब मेरा देखें कोई भी चीज़ हतम नहीं होती आप एक वक्त में एक चीज़ को किसी दलील पे समझ के बात कर रहे होते हैं हो सकता है कल को आप उससे आके निकल जाए मैं ये समझाऊँ कि हमारी बुनियादें ही गलत हैं हमारी बुनियाद जो रूट कॉज थी ना इस कंट्री को बनाने की और उसके बाद उस पर इंसिस्ट करने की रूट काज गलत हो सकती है हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट इमोशंस हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े चेंज सिर्फ़ इमोशंस की की, वजह से आए हैं रैशनलिटी उनमें बाद में आई है कई दफ़ा लोग बात करते हैं एक इनकलाब चाहिए होगा इनकब इनकलाब का इनकलाब सिर्फ तबाही होता है इनकलाब का ये मतलब होता है जो चीज़ बनी है उसको गिरा दो बस उसके बाद जो उसको बिल्ड करने वाली चीज़ होती है ना वो बिल्कुल ही और होती है और वो पता नहीं आएगी या नहीं वो रैशनलिटी होती है वो कब आएगी कोई पता नहीं हम रैशनल मैं इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ इस बात को यह ना समझा जाए कि मैं को एंटी एंट, एंट्री पार्टीशन को बात क्योंकि अब तो जो हकीकत है सामने है उसी को लेकर चलना है इस बुनियाद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ये मान के कि यार हमारी डायरेक्शन कोई नहीं है क्या हम दुनिया में किसी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए एक मुल्क मुल्क बनाए या एक जियोग्राफी है जिसमें रहने वाले लोगों ने आ, अपनी ज़िंदियाँ बेहतर करनी है और दुन, और बाकी दुनिया की ज़िंदियों को बेहतर करने के लिए कुछ करना है और बाकी दुनिया को सीखने को ऐसा करना है कोई डायरेक्शन नहीं है आप आज हमारे लीडर्स की आप स्पीचेस देखें आप पिछले दस साल में जो भी आपके जहन में ओवर हीयर हो रही है बात आप देखें कि उसमें डोमिनेंट क्या पा पार्ट करता है हमारे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की हमारे स्पोर्ट्स की आज की पिछले आठ नौ साल की उनकी गुफ्तु आप सुने खासतौर पर क्रिकेटर्स की तो जब उनकी ऑफ़ द ग्राउंड उनकी उनकी गुफ्तु -गु रिफ्लेक्ट क्या करती है आपको प्रोफेशनलिज्म 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट परसेंट नजर आएगा बाकी आपको इमोशंस नज़र आएंगे उनके अकायद नज़र आएंगे उनके पोलिटिकल एफिलेशन नज़र आएंगी लेकिन जो नेशन दुनिया में जिनकी हम मिसालें दे रहे हैं उनमें प्रायोरिटी इकॉनमी को है अगर इकोनॉमी आपकी और आपकी सिक्योरिटी बेहतर है तो बस फिर आप उसके बाद एक एक नॉर्मल आप माइंड सेट पर आएंगे जिसमें हर शख्स अपनी ज़िंदगी के लिए दो बुनियादी चीज़ें कि उसको जितने पैसे चाहिए और जो उसको सिक्योरिटी चाहिए उसके बाद वो जिसका जो जिस तरफ चाहेगा पीसफुल उस तरफ जा सकेगा लेकिन हमने चूँकि हर शख्स को लगाम डालने का ठेका जब तक हम लेंगे एक दूसरे का भी और अपने का भी और दाएँ बाएँ का भी और वैलिडेशन चाहेंगे कहीं और से अपनी रूट्स के बगैर तो हम हमारी बुनियाद ही टेढ़ी है जिस दिन हमारी स्टेट से लेके आम आदमी से लेके ओपिनियन ओपिनियन मेकर से लेके उसको ये नहीं बताना पड़ेगा किसी को सोसाइटी की वैलिडेशन लेने के लिए कि मेरा मैं इस तरह सोचता हूँ और इस तरह रहता हूँ और ये मेरी शक्ल है तो मुझे मौजा समझा जाएगा तो आ, ये वैलिडेशन की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी नहीं। और उसको पता लगेगा कि मैंने इस नेशन में कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी में और इसके पीस में पीस ऑफ माइंड में और इसमें इसकी वाकई सिक्योरिटी में कि इसको तफ़ुज भी हो उस वक्त वो और तरह सोचेगा फिर वो सोचेगा कि मैंने अपने हमसायों से भी किसी भी कीमत पर अमन करना है मैंने इनको भी अमन अम, इनको भी अमन देना है क्योंकि अमन सिर्फ भारी फ़ौज से नहीं होता अमन 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 ट्रेड से होता है सिल्क रोड दुनिया का सबसे पुराना रोड है जिस पर तजारत हुई और सिल्क रोड जो है सिल्क देखें एक डोरी होती है जो लोगों को बांध देती है और अब अभी हम बात कर रहे थे कि वो माशरे जिनके बारे में आज का अब आ, उनका मौलाना हाल ही का शेर बच्चे बच्चे को याद है कि जो पानी पे और घोड़ा आगे बढ़ाने पे एक दूसरे के लोग मार दिया करते थे वो भी ट्रेड के वक्त नहीं था लड़ाई करते तो जो हम इसको हमारे यहाँ तो कमाने को और पैसों की बात करने को और बिजनेस करने को कोई इतना बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता कोई आपके माइंड में और आपके गुफ्तगु में को बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती हालांकि किसी का हक मारे बगैर कमाना तो बेहतरीन बात है तो जब तक ये चीज़ें टॉप पे नहीं आएंगी इन ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी नहीं होंगी बतौर पूरी नेशन कि यार अब हमने इस साल या अगले पाँच साल में हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना है हमने टेक्नोलॉजी में कहाँ जाना है और हर शख्स इसी पर बात करेगा तो आप देखें हम तो नहीं करते ना हम तो इकोनॉमी के ऊपर सियासत करते हैं जब मुल्क बेशुमार मुश्किल में हो तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अब 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 चूँकि एक गवर्नमेंट को टफ़ डिसीजन लेने पड़ेंगे लिहाजा इसको यूज़ करते हैं और इतना को हैं अच्छा ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया में ये नहीं है ये है लेकिन रैशनलिटी भी साथ है हमारे रेशनैलिटी तो बेचारी जान बचाती फिरती है यार मुझे कोई मार ही ना दे आपको लगता है जिस तरह जाहिर है कि सियासतदान को आप शायद ये कह सकते हैं कि वो इसको यूज़ करता है मेरी पिछले दिनों दो तीन पॉडकास्ट में भी यही बात हुई है कि हमारे सियासतदान ने एक जाहिर एक मेजर मसला है हमारा तो उसके ऊपर सियासत होती है उसके ऊपर सियासत होती है मुझे अगेन जब जब हम इवन अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पर भी अभी इस वक्त जो है ना वो बाइडन को बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि यार तुम अपनी इकानमी को मैनेज नहीं कर रहे हालांकि अगर रैशनली देखें तो इस वक्त कोई मैनेज नहीं कर सकता विद वाट्स गोइंग ऑन विद द कमोडिटी सुपर साइकिल बड़ा मुश्किल है मैनेज करना हो लेकिन सियासत तो हो रही है बट देन यहाँ पर एक मीडिया का रोल आता है मेन स्ट्रीम मीडिया कहले या अदरवाइज जिसका काम है कि यार वो एजुकेट करे फंडामेंटल्स के ऊपर एजुकेट करे हमारे यहाँ एक जो जहाँ पर आपने कहा ना वो क्लैन वाला और ये हमारे यहाँ नहीं अगेन अमेरिका में भी देखूँ तो सी एन एन जो है वो डेमो डेमोक्रेट्स के, के साथ है फॉक्स जो है वो रिपब्लिकनस के साथ है निज़ाम एक दुनिया का एक अजीब वरीब किस्म का हो गया है जिसके अंदर पहले वक्त में जब हम बड़े हो रहे थे तो अगेन आप अगर टी वी चैनल्स याद करें तो पी टी वी के ऊपर और चैनल्स के ऊपर मोस्टली मुझे जितना याद है ना हम टाइम गुजारते थे डिस्कवरी के ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर चीज़ें सीखने के ऊपर बहुत थोड़ा टाइम होता था ख़बर नामे का या आगे पीछे जिसमें हम थोड़ा सा देखते थे यार दुनिया में क्या हो रहा है अब तो मेजॉरिटी प्राइम टाइम आपका जो है ना वो न्यूज़ है और बहुत थोड़ा टाइम है जिसके अंदर आप एक्चुअली चीज़ों को सीख रहे हैं जिसमें आपको और मीडिया जो है वो आपको बजाय इसके पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो बजाय इसके के मीडिया कहे कि यार एक पेट्रोल प्राइस क्यों बढ़ रही है ग्लोबली क्या सिचुएशन है वो पहला काम करते हैं पेट्रोल स्टेशन में पहुँचते हैं गरीब आदमी की शक्ल दिखाते कहते हैं क्या हुआ वो कहते हैं जी बम गिर, गिर गया हाँ टि टिपिकल टर्म में चला चला के और बना बना के न्यूज चैनल में थक गए थे थक हाँ। अब और क्या करें यार एक ही बात रोज अब सियासतदान ये कर रहा है उसका तो धंधा है मीडिया हाउस ये कर रहा है उसका मुझे जवाब नहीं कभी मिला कि मीडिया हाउस का ये क्यों काम है कि वो आके पेट्रोल बम गिरा करके उसको एज अ एज अ वो पोर्ट्रे कर रहा है देखें हमारे कुछ लेगेसीज हैं पुरानी जो लेगेसी हमें ड्रैग करती हैं और हम उन पर फ़ख्र करते हैं देखिए ना ये एक बहुत बड़ा एक डाकोटमी है हमारे रवैयों में कि कुछ चीज़ें जिन पर हम फख्र करते हैं साथ ही खामोशी में और खामोशी से और अपने दिल में हम उनको उनसे तंग होते हैं मिसाल के तौर पर एक बंदा फैमिली सिस्टम में एक बंदा कमाने वाला और एक से ज़्यादा खाने वाले हम ये रेशो कम हो रही है उससे ना एक विलापन पैदा होता है विलापन अच्छा वो उससे उससे उसको जब एक बंदा है ही फारेगी तो वो सारा दिन क्या करेगा ठीक है अब हमारे हाँ इस वक्त जो रवैये जन्म जन्म ले रहे हैं और जिस किस्म का डिस्कोर्स आ गया है जिस लो लेवल का आप देखें कि ये प्रोडक्टिव लोगों का नहीं है यानी उस पर मेरे जिम में जो ट्रेनर है वो हर दो चार दिन बाद मुझे खड़ा करके के बैठ जाता था फैसल साहब मैं दसो कि ए मरियम दी ज़मानत होएगी कि नहीं इमरान ख़ान हमला वाला लंबे जाएगा कि नहीं तो मैं उसे कहता था कि यार ये तो कुछ ना कुछ हो जाएगा मुझे तुम बताओ कि पिछले छः माह में तुमने इस जिम को बेहतर करने के लिए क्या सोचा है तुमने इसके अंदर मेंट को अच्छा करने के लिए क्या सोचा है ये बताओ अपने बारे में इस बिजनेस के बारे में और जो यहाँ पर लोग अफेक्टेड हो या तुम्हारे एक्शन से कोई और चाहता है उसके बारे में बात करो ना मरियम का और इमरान खान का अगर अगर जज ने इंसाफ नहीं किया तो वो नहीं किया तुम और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन जहाँ तुम कुछ कुछ खुद कर सकते हो वहाँ क्या करोगे क्योंकि एक विलापन है कि एक चीज़ थोड़ी बहुत आपको इनकम दे रही है तो बस ठीक है किसी ने बना दी थी एक चीज़ आपने फ्रेंचाइज ले ली बस ठीक है चल रही है थोड़ा बहुत कभी कभी पुश करना पड़ता है तो मारे बांधे उसको कर लेते हैं तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बात महंगाई जिन जिन नेशन में आप देखें ना वो सारा दिन काम करते हैं अच्छा महंगाई उस वक्त तक तो आपको कोई तंग नहीं करेगी जब तक आपकी इनकम है और आपको आपको कमाना भी आता है और आपको खर्च करना भी आता है लेकिन अगर आपकी महदूद इनकम है और आप उससे आगे जाने का कभी सोचते भी नहीं तो ज़ाहिर है वो आपको बहुत परेशान करेगी और अगर इतनी है कि आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है या कोई और कमा रहा है और विले हैं पाकिस्तानियों में एक विलेपन पन का मजाज है बहुत ज़्यादा मजाज है तो वो उसमें ना टाइम की कोई कदर है ना किसी के इमोशनस की कोई कदर है क्योंकि उसने कुछ करना है इमोश उसके पास एनर्जी तो है उस एनर्जी को कहीं तो उसने लगा है तो वो फिर इस तरह की चीज़ों में लगाता है अगर ये पूरी नेशन को आप इस चीज़ पे लगा दें आप देखें ना चाइना एफ्यून ज़्यादा कॉम थी अफ्यून पीते थे इंग्लैंड ने उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था बरतानिया और वो मतलब एक दिन ही दो दिन ही एक सदी इसमें गुजारी उन्होंने एफ्यूनची पूरी दुनिया में मशहूर थे कि अफ्यूनचिया अफ्यून ले कर पड़े रहते हैं लेकिन एक लंबा टाइम गुजरा आ, और उसमें बेशक उनको ताइवान से हाथ धोना पड़े आ, और और उसने का ने अपना अलग मुल्क बना लिया ताइवान लेकिन उसमें करोड़ों लोग मारे गए लेकिन वो एक दफ़ा नस्ल झुंझोड़ी गई झुंझोड़ी गई उसके बाद वो फिर यहाँ तक आए कि अब वो दुनिया के आप अगर बीजिंग जाएँ शंघाई जाएँ तो आप देखेंगे उसके बाद आप अमेरिका और यूरोप जाएँ तो आपको यूरोप और अमेरिका शंघाई के सामने गाँव लगता है और वो अब वो दुनिया तो ये कहती है ना कि यार ये अब पावर बनेंगे बस वो तो ऑन ट्रैक हैं अमेरिका तो ऑन बैक ट्रैक है के अभी ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेकिन अब साइंस देखें टिकटॉक को वो कॉपी कर रहे हैं उनके वी चैट को मस्क कॉपी कर रहा है तो अब ये टेबल्स टर्न हो रहे हैं एक चीज़ को डायरेक्शन से आप जान लेते हैं कि ये किस तरफ जा रही है तो चीज़ को मोड़ने में टाइम लगता है तो पाकिस्तान की बेसिकली डायरेक्शन ठीक होने वाली है यहाँ पर हर शख्स जब तक अपने आप पे नहीं आएगा और ये फैमिली सिस्टम के जिस सिस्टम पे जिस जिस एंगल पे हम फख्र करते हैं ना और वो बेसिकली हमारी टांग से भी बहुत बुरी तरह बंधा हुआ है क्योंकि वो उसमें फिर वेलेपन का बहुत गुंजाइश है कि एक बंदा वो है सबको संभालने का जबकि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती तो और हमने अपने आप को एक झूठे एल्यूजन में भी डाला हुआ है कि हमारे खानदान है हम माँ बाप बहन भाइयों से प्यार करते हैं बाकी दुनिया ने तो फेंक दिए हुए हैं हालांकि ऐसे नहीं है वो भी उतना ही प्यार करते हैं आप किसी का अगर किसी को नहीं यकीन तो वहाँ कोई भी छोटा सा हादसा हो जाए तो आप देखें कि वहाँ पर कैसे लोग अपने प्यारों को याद करते हैं कैसे लेकिन वो उसमें ये नहीं करते कि बस फिर उसमें आके अपने हम तो देखें ना हमारी तो हाँ तो मुनाफ्त बहुत ज़्यादा है ना कि हम खुशी के मौके पर भी अपनी दुश्मनियाँ निकालते हैं और काम के मौके पर भी हमारे पास एक इवेंट होता है जिसमें हमें ये बताना होता है कि मैं किससे नाराज हूँ किससे ये एक विलेपन का मजाज है एक मिजाज है हमारे यहाँ ये उस वक्त वक्त खत्म होगा जब हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और जब एक्चुअली फैमिली अगर ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि आपका बच्चा हमारे यहाँ तो यार तीस तीस साल बत्तीस बत्तीस साल के बच्चे होते हैं घर वालों के खाते में रह रहे होते हैं हाँ। वो बच्चा सेट नहीं हो पा रहा बच्चा सेट नहीं हो पा रहा चाचू को कॉल जा निकालो उसे घर से नहीं सेट घर हाँ, से निकालो देखो निकाल दो मिनट में सेट हो जाएगा हाँ वो या तो उसको दाखिल करो पागल खाने में अगर वो उसका उसका दिमाग ठीक नहीं है और अगर वो उसका दिमाग ठीक है हाथ पाँव ठीक है तो आप उससे काम करवाएं अगर वो काम नहीं करता उसको निकालेंगे कुछ कुछ काम ये जो है ना वे लोगे और, और इस बात पे फख्र करना कि जनाब इतने बच्चे हैं और इतना हम जनाब ये देखें मेरी तो फ़ौज पूरी बन गई है ये एक बड़ी अजीब सी बात है हमें हमने कुछ चीज़ों को हमारी सोसाइटी में ओवर ग्रो हो गई हैं कुछ चीज़ें ओवर ग्रो हैं मतलब इतना ज़्यादा वेट है कि अगर अगर देखें ना अगर आपने चलना है और आपके आप अगर ट्रैवल करते हैं आपके पास एक छोटा सा बैग है अब बहुत से शहर बहुत से लोकेशंस एक दिन में ट्रैवल करेंगे भाग के जाएंगे एनर्जी भी शाम को होगी लेकिन अगर आपका जितना बड़ा भारी बैग है उतने आप स्लो रफ्तार में जाएंगे तो हमारी जो नेशन है ना पाकिस्तान का मसला ये है इसने कुछ ऐसे बोझ उठाए हुए हैं दुश्मनियों के बोझ कुछ अपनी ज़मीन से टूटी हुई अकीदतों के बोझ इतने भारी बोझ हैं कि वो आपको आगे नहीं चलने देते और फिर उन बोझों के साथ एक कुछ लोगों की इकोनॉमी जुड़ गई है कुछ लोगों की इकानमी उन उन हैवीज उन उन वेट के साथ उन बोझ के साथ उन बोझों के साथ उनकी इकानमी जुड़ गई है उनका कारोबार है वो सिर्फ एक मिसाल मैं मैंने तो ज़्यादा नहीं मैं जाऊँगा मसलन जिनको सालाना गले से करोड़ों रुपया मिलता है बल्कि महीनों के हिसाब से वो उस इकानमी को छोड़ने को तैयार नहीं है इन्हीं लोगों ने ये मुल्क बनाया था जो कि ज़मींदार थे जागीरदार थे वो आज तक वो आपकी टांग से वो नहीं ब, नहीं बोझ उनके पास उस वक्त रोल्स राइस थी हमारे पाकिस्तान के पास आज हैरान भी नहीं है नहीं। दुनिया की सबसे घटिया गाड़ी हमारे मुल्क में बनती है क्यों क्योंकि कुछ लोगों को हमें पीछे रखने में उन चंद लोगों की इकोनमी है और अगर आप उसको खुल के बयान भी करना चाहें तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा तो ये एक उसमें सिक्योरिटी है और एक ज़मीन से कटी हुई अकीदतें हैं आप देखें किसी को पता ही नहीं कि हम कौन हैं हम कौन हैं मतलब मैं अगर एक पाकिस्तानी से पूछूँ वो वो कौन है तो क्या बताएगा वो कौन है वो पैदा पाकिस्तान में हुआ है जिसके जिसका जो जियोग्राफी है वो वो लैंड है जहाँ वो दो शहर हैं जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब थे हड़प्पा को आप ले लें मोहनजोदड़ो को ले लें मेहरान को ले लें यहाँ पर आ, आपको आप, आप गंधारा तहजीब को ले लें आपको वो सिविलाइजेशंस मिलेंगी जो दुनिया में मिसर में या मैसू मैसो, मैसो में मिलेंगे उनसे भी कदीम आपको चीज़ें मिलेंगी आप पता दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर का ढांचा जो था बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुआ था ठीक है उसका नाम ही बलोची है तो बात यह है कि हम इस हेरीटेज पर फ़्र करना हमें इतना पसंद नहीं है हम किसी और हेरिटेज पे फखर करना पसंद करते हैं जिससे कि हमारी ही खत्म हो जाती है हम हमें पता ही नहीं हम कौन है जिस चीज पे हम फख्र करना चाहते हैं वो हमें ओन ही नहीं करते ना उनकी जुबान हमें ओन करती है ना वो हमें ओन करते हैं ना हमें पता है कि वो क्या बात करते हैं ना हमें पता है वो जो बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता वो कल को मुकर जाए तो हम क्या करेंगे तो ये हम जमीन से टूटे हुए जड़ से उखड़े हुए और दरख्त से झड़े हुए पत्तों की तरह इर्द गिर्द फिर रहे हैं और ये जब तक हम अपनी बिल्डिंग को सीधी नहीं करेंगे ना कुछ भी सीधा नहीं होगा और बड़े अफसोस की बात है कि ब्रेन ड्रेन खौफनाक तरीके से हो रहा है पाकिस्तान में क्योंकि ब्रेन की यहाँ ज़रूरत नहीं है यहाँ इमोशंस की ज़रूरत है क्योंकि इमोशंस के साथ कुछ लोगों की इकोनमीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपसे इसमें पूछूँ एंड वी आर एट आवर दिफ्टी मिनट मार्क्स लाइक टू रैप मार्क्सट अपट अगर मैं आपसे पूछूँ ज़ाहिर है आप हिस्ट्री को बड़ा बारीकी से देखते हैं एक एलिमेंट इन हिस्ट्री हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है आ, वो है एक रिलीजियस एक्सटीज़म का एलिमेंट और उसके अंदर में जाहिर है कि अगर मैं थोड़ा सा रीसेंट टाइम्स में जाऊँ तो हमारे पास एक सेवेंटीज़ और एटीज़ एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज यू आर दी एक्सपर्ट हिस्टोरियन है हैं। आ, बट जो सऊदी एंड ईरानी एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सेवनटीज़ और एटीज़ के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा ये नई ऑयल इकोमीज थी दे दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी सडनली एंड यू नो इंस्टेड ऑफ के वो उस वक्त उसको शायद डिवेलप uh, कर रहे होते अपने आप को तो उन्होंने उसमें वो बहुत सारा पैसा एक्सपोर्ट hmm. करके hmm. आइडियाज को एक्सपोर्ट किया राइट एंड एंड हमने देखा कि और इसमें सिर्फ ये सऊदी और ईरानी इन नहीं थे इसमें जाहिर है कि द ग्लोबल पावर्स सो हमने अफग़ान वॉर में अपने इंटरेस्ट थे तो हमने अफ़ग़ान वॉर में देखा कि जहाँ पर आपको जहाद बेच कर दो, दो सुपर पावर्स की लड़ाई थी जिहाद को उन्होंने ऐसा यू नो गोल्डन डक के तौर पे बेचकर वो सारा का सारा किया और जहाँ पर हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसी जिहाद के ऊपर फ़ख्र करके बैठे हुए थे जो कि उसके 20 साल बाद कम्प्लीटली फ्लिप हो गए कि ये तो बड़, बड़े बुरे लोग हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ उस एटीज़ के अंदर पर्टिकुलरली जब ये आइडियाज़ एक्सपोर्ट किए जा रहे थे तो हमारी जो एजुकेटेड क्लास थी ना उसने उसको इग्नोर किया क्योंकि जब यह नया नया हो रहा होता है तो आपको इतना पता नहीं लगता कि इसके रेपरकशन्स क्या होंगे उन्होंने hmm. तो कहा यार ये लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं हमारे से क्या ताल्लुक है हमारा सिस्टम चल रहा है वॉट hmm. उसके रेपरकशन हमने उसके पच्चीस साल बाद देखे जब वो वेनरेशन्स बढ़ी हुई जो कि उन आइडियाज़ hmm. के साथ ग्रो अप की और फिर hmm. हमने वो अस्सी हज़ार जाने गंवाई और फिर दो में जाके हमने फाइनली जब ए देखा तो शायद हमारा थोड़ा ज़मीर जागा कि यार hmm. ऐसा नहीं हो सकता हमारे बच्चों के साथ भी ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एज ए कलेक्टिव वो लेसन्स लर्न नहीं किए hmm. क्योंकि मैं अब आज देखता हूँ कि आज भी मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन के बारे में और बात करना बड़ा मुझे बड़े लोग आके कहते हैं कि आप रिलीजन या रिलीजस स्कॉलर से क्यों नहीं बात करते hmm. मुझे पाकिस्तान में ये बहुत मसला आता है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो हेट के बगैर बात करें आप पूरी दुनिया के रिलीजियस स्कॉलर से जाके बात करें वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये गलत हो रहा है इसको बंद होना चाहिए इसकी वजह से मुआरा ख़राब हो रहा है इसके वो आपको फंडामेंटल्स बताएंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पेशेंस का दर्ज दिया अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छे दिल मेक यू फील गुड आप इख्तलाफ भी करते हैं अच्छा लगता है हाँ और मोस्टली वो ऐसा होता है कि वो इतने स्वीट तरीके से बात करते हैं कि इख्तलाफ होता ही नहीं है यू नो इट्स 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 और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के बारे में पढ़ा तो वो मोस्टली ये था कि उन्होंने किस तरीके से प्यार hmm. से लोगों को अट्रैक्ट किया डंडे hmm. hmm. से नहीं अट्रैक्ट किया huh. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इवन हैविंग गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट हम आज तक डिफरेंट डिफरेंट नई पैकेजिंग में hmm. हेड को कंसिस्टेंटली रिसाइकिल करी जा रहे हैं hmm. और जो एक नई जनरेशन आ रही है उसको वो माजी का वो याद नहीं है कि यार hmm. जब ये आप हेट को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको इनकलकेट करते हैं तो आपको तो लगता है कि यार मैं तो कोई नहीं मैं तो एक एक एक्टिविज्म कर रहा हूँ बट उस एक्टिविज्म की इट्स एक्सट्रीम फॉर्म्स किस तरह से होती है देखें कि अब मैं एक बात करने वाला हूँ जो कि शायद ए, बहुत से लोग इख्तलाफ करें लेकिन मेरा ज़ाती ये एक्सपीरियंस है फ्राम हिस्ट्री मतलब पढ़ने से जो है और जो मैंने लाइफ लिव की है पाकिस्तान में और इर्द गिर्द बाकी ममालिक को जो स्टडी की सर जो हट है ना ये लोगों में नहीं है मैं ये बात मानने को तैयार हूँ ही नहीं कि लोगों में हेट है और लोगों में ये चीज़ ये हेट लोगों में भरी जाती है दुनिया में कोई आइडियोलॉजी भी ऐसी नहीं है कोई आइडियोलॉजी भी जो मैस लेवल पर स्प्रेड हुई हो और उसके पीछे पावर ना हो तो वो लोग ख़त्म हो गए हम हम लोग दोस्त ना कई दफ़ा मजाक में बात कहते हैं कि गांधी यहाँ पर अमन का प्रचार कर रहा था नॉन वायलेंस का प्रचार कर रहा था तो हिटलर जहाँ था यहाँ वो ये सारा प्रचार कर रहा था यहाँ इंग्लैंड थे इंग्लिश थे इंग्लि� वो आ, अमेरिका में एक सबक सबक सीख चुके थे लेट एटीन सेंचुरी में सत्रह में कि यार अगर वायलेंस यूज़ किया जाए ना तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट लूज़ हो जाता है तो वो उस सबक को लर्न करके आगे चल रहे थे लेकिन अगर गांधी जी फ़र्ज़ करें हिटलर के पास होते जर्मनी में ये दर्श देते तो एक दिन से ज़्यादा वो ये दर्स ना दे पाते तो वो ना वो होते ना वो उनका दर्स होता तो बात यह है कि हिस्ट्री पूरी में और आज भी जो ये आप हेट देख रहे हैं ये क्रिएटेड है आप देखें आज एक की हेट दूसरे को पॉलिटिकल और पावर में फ़ायदा दे रही है दे आर क्रिएटिंग हेट ऐसा नहीं है कि लोगों में हेट है पाकिस्तान के लोग मैं अब एक फलसफाना सी बात करूं मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लोग ना ये मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा जिसमें हमारे पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं दे आर द स्वीटेस्ट पीपल ऑन अर्थ वो कैसे आप एक आपकी माँ है मेरी माँ है बूढ़ी औरतें हैं गाँव में हैं दाएं बाएँ हैं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो पूरी जिंदगी उस एक मोडस्ट औरत और हमारे हमारे जो ऐसे कम पढ़े लिखे वालदे जो आके शहर नहीं आए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं उनका मिला तमाम के तमाम इवन इस तरह के लोग अगर शहरों में भी हैं तो वो जो सोसाइटी में एक राइज एक कॉन्सेप्ट है ना डिसेंट पर्सन का एल डिस वांट टू बी नियर टू दैट उसके करीब तरी रहने की कोशिश करते हैं वैसी शक्ल बना लेते हैं वैसी बातें करते हैं वो ना हो सकें तो एक इम्प्रेशन देने की को कोशिश करते हैं उसके करीब जाए वो असल में ना वो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो ही गलत है क्योंकि वो गलत है तो वो जो हमारे लोग से करीब आते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं हो पाता जैसे एक एक अभी ईरान में सबसे गंदा शख्स मर गया मोस्ट डटी मैन डटीएस्ट मैन ऑन अर्थ अभी उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में जाना आपने भी शायद खबर पढ़ी हो जो तीस चालीस साल से नहाया ही नहीं था अच्छा ओके लेकिन क्या ये अच्छी बात थी उसकी उम्र एटी एटी प्लस थी बहुत उम्र थी उसकी लेकिन वो नहाया नहीं था कभी एक दफ़ा नहाया और मर गया तो आपके हाँ क्या ये कॉन्सेप्ट फैलना चाहिए कि, जो है न आना नहीं चाहिए नहीं ना फैलना चाहिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग पाकिस्तान के लोग उस एक अच्छे इंसान के कॉन्सेप्ट के करीब रहने की कोशिश करते हैं और ये ख़ास तौर पर अगर मैं यहाँ की पंजाब की बात करूँ तो ये पाँच दरियाओं की की बल्कि सात दरियाओं की सरजमीन था पूरा पंजाब जो बाधा उसको भी आप बीच में ऐड कर लें तो जो सात दरिया के बच्चे होते हैं ना वो किसी से लड़ाई लड़ूई नहीं करते क्योंकि आप उनसे रास्ता भी पूछेंगे ना तो वो आपको कहेंगे यार रोटी शोटी खा के जाओ क्योंकि उस उसको भूख उतनी कभी तंग की नहीं जितनी अरब के सहरा में या सिंध के सहरा में लोगों को तंग की होगी ठीक है उसके यहाँ बारिशें होती हैं उसके सलाब है वो सलाब से तो परेशान होगा लेकिन उसको आम का दरख्त भी है उसके बाद जामन भी है उसके बाद शतूत भी है उसके बाद खेत भी हैं तो वो और तरह से चीजों को डील करेगा वो 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 ना तो इतना भूखा है अच्छा लेकिन उसका मसला एक है कि यार पीस रहना चाहिए मेरे मुझे लड़, मुझे लड़ाई मेरा लड़ा ना लो मैं नहीं लड़ना मुझे कोशिश करेगा आखिरी हद तक कि मुझे ना लड़ना पड़े क्योंकि उसके पास लड़ने की सबसे बड़ी वजह जो है खुराक वो उसके लिए वजह नहीं है कोई बहुत बड़ी जब तक कि कोई लठ लेके उसके सर पर ना आ जाए तो यहाँ के जो लोग हैं ना ये पीस भी पसंद करते हैं ये मोहब्बत करना चाहते हैं और ये जो भी जो कॉन्सेप्ट है एक अच्छे इंसान का हमारे मर्द और ख़वान उसके करीब रहना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को बेहतर करने की जरूरत है उसमें ये डालने की ज़रूरत है कि यार जितने अच्छे और ओनेस्ट आप हैं ना आपसे मुख्तलिफ ख़्याल वाला इंसान भी उतना ही अच्छा और ओनेस्ट है और आप उसको समझने के लिए उसकी बात सुने और उसको अख्तिलाफ़ भी है तो अब आप एक अच्छे इंसान हैं लेकिन अगर आप समझेंगे कि यार जो दूसरा है ना ये तो अल्टीमेट इसकी तो बहुत करप्ट आदमी है अंदर से दो नंबर है दो नंबर अगर ये मेरे ख्याल पर नहीं है ना तो ये या झूठा है या दो नंबर है या इसको ना मरने के बाद बड़ी सज़ा मिलने वाली है अच्छा जब आप देखें ना अब एक सामने आपके शख्स बैठा है और आपसे उसकी लड़ाई भी कोई नहीं लेकिन आप उसको कोशिश

जो उनके ऊपर हाकिम था उससे नहीं की नहीं। वहां जाके ये दोनों ठीक होते हैं आपस में नफरत की यानी जो आका था उससे नफरत नहीं की नहीं। जो जो जिसकी अकाइत में ये थे दो तो उन लोगों ने आपस में नफरत कर ली और आज तक करते हैं तो और वो भी करते हैं और सच्ची बात यह आज हमारे यहाँ भी है ना। हमारे वो भी करते हैं अब वो भी अब आप नहीं मैं ये तो दो ग्रहस में, हाँ, तो हम, हम हाँ तो में भी गया करना तो उसकी, उसकी वजह कि जब चीज तकसीम होना शुरू होती है तो वो फिर उसका कोई एंड नहीं होता हाँ, फिर वो तकसीम दर तकसीम होती है तकसीम दर तकसीम होती है फिर कहीं वो तकसीम रुक नहीं सकती जब आप एक दफा ये कह देते हैं ना यार फलां के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसके ख्याल मुझे हैं तो फिर जो लोग आप इकट्ठे रह जाएंगे फिर उनमें भी अख्तलाफ होगा है ऐसी चीज़ है जो दुनिया में आठ अरब अब आबादी है हर शख्स दूसरे से अख्तिलाफ करता है कोई भी जिंदगी का तजर्बा डी एन एस का लाइफ उसकी हेल्थ उसकी मेंटल हेल्थ उसका चीज़ों को सोचने का अंदाज उसका देखने का अंदाज़ उसके कलर्स के इवन परसेप्शन तक मुख्तलिफ हैं तो फिर क्या आप हर अख्तलाफ पर तकसीम करते जाएंगे या तकसीम को कबूल करने का गुर सीखेंगे तो पाकिस्तानियों का अगर मैं एक जुमले में कुछ कोई ना पाकिस्तानियों का कोई महसिन होगा वो वो होगा जो जो पाकिस्तानियों को जोड़े और इनकी तकसीम में, यू, में यूनिटी पैदा करने की कोशिश करे और जो आइडिया होगा ना वो भी यही होगा कि यार हम तकसीम को कैसे एक्सेप्ट करना है बग़ैर ये सोचे कि मुजमल को बारे में मैं सोचूं या मुजमल फ़ैसल के बारे में सोचे यार ये गलत है और ये चूँकि मुझसे नहीं मेरे से तवाह करता जो याद तो ये झूठा है या ये कुल लालच में है या ये बेवकूफ़ है मतलब इसके अलावा कोई चांस नहीं हो सकता मतलब ये ये इससे जब निकलेंगे ना एम्पथी आएगी दूसरे को आप उसके जूतों में में खड़ा होना सीखना सीखेंगे तो फिर होगा मैंने अभी डॉक्यूमेंट्रीज जब मैं अपने एफ मीडिया मेरी कंपनी थी तो मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, था स्कूल कॉलेज़ की बहुत बनाई मैंने तो बहुत से मुझे वाक़त याद हैं कि जब टीचर को मैं ये कहता था कि सर आप बच्चों को ना पढ़ाएं मैंने कुछ शॉर्ट्स लेने हैं तो वो जो बच्चों को दर्श देते थे वो वेस्ट से और डिफरेंट रिलीजन वालों से नफरत का होता था कि देखें हमें तो ये सिखाया गया लेकिन ये बाकी जगहों पर नहीं है Hmm. बाकी जगह बाकी तो ये हैं बाकी तो वो हैं भैया आप अपना अच्छा कॉन्सेप्ट बेचें और दूसरों की रिस्पेक्ट सिखाएं yeah. जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे तो आपको हर नाकामी में अपनी गलती नहीं नज़र आएगी दूसरे की साजिश नज़र आएगी क्योंकि आप दूसरों को समझ ही गलत रहे hmm. तो फिर आप ये तो नहीं है कि साजिश नहीं होती होती है लेकिन हर चीज़ में तो नहीं होती ना hmm. बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड एंड लॉट ऑफ इनसाइट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आई नो कि आपकी थोड़ी तबीयत भी नासाज थी था मेरी काफ़ी नासाज थी मैं तो बीच में मेरे एक जहन में वाक्य भी आया जब मैं आपको बहुत कम लोगों को ही पता है कि मैंने बकायदा जहाद की ट्रेनिंग ले के इस इसके मुशरफ के अर्ली दौर में मैं तो बस मरते मरते एक दफ़ा बचा था जिससे मुझे इनसाइट सारी पता लगी थी कि ये जहाँ का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये जो ले के सारा चल रहे हैं कश्मीर में ये क्या है तो मैं तो बड़ी जान बचा के वहाँ से निकला हूँ अच्छा हाँ तो लेकिन मेरा ना गला साथ नहीं देना फिर कभी रखे तो मैं आपको स्टोरी नहीं, नहीं मैं, that, uh, ये मैं ना मैं पूरी फिर सुना नहीं पाऊँगाटफुल ब्रेन थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड स्पेशली वन यू एस एक थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा uh, किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं जैसा कि फैसल भाई ने बोला कि uh, गालियां ना दें <laughs> uh, ये ना सोचें कि यार ये तो बड़े दो नंबर लोग हैं या झूठे लोग हैं uh, हमें कमेंट सेक्शन में आके तहमल मिजाजी के साथ बताएं कि व्हाट इज़ इट दैट यू डिसएग्री विद एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सम ऑफ द थिंग्स दैट वी इसी के साथ साथ YouTube वाले लाइकों में दवाएंगे बड़े ज़्यादा लोग हमारे कॉम्स पहुंचेगी Facebook वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करेंगे टी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं जहां हमें डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं